एवरीवन, वेरी गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं अनुष्का मिश्रा आपके प्ले पाथ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है स्टूडेंट, जैसे कि हमको पता है कि हर ट्यूसडे हमारी 100 क्वेश्चन सीरीज होती है, एक महायुद्ध होता है, यानी आपके जो आंसर्स हैं उनको मैं देखती हूँ यहाँ पे कि आपने कितनी प्रिपरेशन करी है, और आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनका एक कलेक्शन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आती हूँ। तो आज भी ट्यूसडे है और आज भी आपके सामने 100 क्वेश्चन सीरीज लेकर के फिर से मैं आप एक बार आपके सामने हूँ, और आज की क्लास को स्टार्ट करूँगी, यानी आज की क्लास में देखूँगी कौन कौन से नए क्वेश्चन हैं। तो फटाफट से आप रेडी हो जाइए, एक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, बगल में एक बॉटल पानी का भी रख लीजिए ताकि आपको बीच में उठ के जाना ना पड़े, और जितने क्वेश्चन आप करते हैं उसमें से जो भी आपके सही हैं उनको नोट करते जाइए, और ये देखिए कि कितने आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और कहाँ पे किस राइटर के जो क्वेश्चन है या किस पर आपका जो है वो कम वीक पॉइंट है, आपका कहाँ पर वीक पॉइंट हो रहा है, कहाँ पर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इसको भी अगर आप नोट करते जाएंगे तो आपको वहाँ पर फोकस करने में आसानी होगी जहाँ से आपका वीक पॉइंट है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़, किसी भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता, हमें लगातार मेहनत करते जाना है। आपको पता भी है कि जैसा एक डिसाइड हुआ है कि जो एग्ज़ाम है आपका टीजीटी पीजीटी का, वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में, या फिर जीआईसी की तो डेट ही आ चुकी है ऑलरेडी, तो ये एग्ज़ाम आपके हार्डली 2 मंथ्स है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, और इसमें जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी आपको प्रिपरेशन करनी है, उतने अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को ताकि आप एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से परफॉर्म कर सके और एग्जाम क्लियर कर सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, देयर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी के लिए, और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नरेटिव पोएम बाय लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन टर्न्ड मर्चेंट सेलर हु आफ्टर अ शिपवरेक इज मैरूनड ऑन अ डिजर्ट आइलैंड। आपको बताना है कि कौन सी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की पोयम है कोई, जिसमें एक फिशरमैन होता है जो कि शिपरेक के बाद बच जाता है और वो एक मर्चेंट में टर्न हो जाता है। तो फटाफट से मुझे बताइए कि कौन सी स्टोरी है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में है टिथोनस, मॉड, क्रॉसिंग द बार या फिर एनोकार्डन। आपको बताना है कि कौन सी स्टोरी है टेनिसन की जो जिसकी थीम आपके सामने यहाँ पे डिस्क्राइब है। फटाफट से आंसर दे दीजिए, और अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, 5 मिनट का टाइम दीजिए तो फिर मैं आपके कमेंट्स भी देख पाऊँगी। तो आप फटाफट से अपने आंसर को यहाँ पर बताइए। चलिए अगर बात करते हैं तो पहला जो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है टिथोनस का, तो ये पोएम आपके आई थी 1833 में, और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग होने के साथ साथ इसमें एक ऐसे कैरेक्टर की स्टोरी है जो कि अपनी ओल्ड एज की वजह से परेशान है, और ही यर्न्स टू डेथ, यानी उसको एक बून कह लीजिए या कर्ज कह लीजिए उसको मिला है कि वो कभी मरेगा नहीं, इमॉर्टल है वो, लेकिन ये उसको बून नहीं मिला कि वो हमेशा यंग रहेगा। तो अगर विदाउट यूथनेस जो आपके लाइफ है इसका कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ओल्ड हो चुका है और वो सोचता है कि किसी तरह से उसके डेथ हो जाए। तो ये स्टोरी जो है वो टिथोनस की है। यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन भी करते चलूँ, इसकी डेट मेंशन करते चलूँ, तो टिथोनस जो है वो 1833 में आया था, और ये क्या है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मॉड की बात करते हैं तो मॉड 1855 में आई थी, और ये फेवरेट पोएम मानी जाती है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की, यानी फेवरेट है ये किसकी, तो ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की फेवरेट पोएम मानी जाती है, ये आपको याद रखना है, पूछा भी हुआ है कि विच इज द फेवरेट पोएम ऑफ लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। तो मॉड का आपको याद रखना है, और ये सीरीज ऑफ सोलिलोक्वीज है, यानी सीरीज ऑफ सोलिलोक्वीज की बात करते हैं तो ये क्या है,
चंचल, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तीनों का ये कंबाइंड होता है। इसमें शेक्सपियर के क्वेश्चन मिलेंगे, वर्ड्सवर्थ के, मिल्टन के, गार्ल्सवर्दी के भी, साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन तो कॉमन है ही, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फिगर ऑफ स्पीच से हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो कॉमन होता है सभी के लिए। तो ये स्पेशली टीजीटी के लिए नहीं है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट सबके लिए कॉमन है। तो मॉड की हम लोग बात कर रहे थे, मॉड क्या है, 1855 में आई थी, फेवरेट पोएम मानी जाती है, सीरीज ऑफ सोलिलोकी है, ठीक है, सीरीज ऑफ सोलिलोकीज है। और इसके साथ साथ थर्ड लिखा हुआ है क्रॉसिंग द बार, तो क्रॉसिंग द बार जो है ये इनके लास्ट पोएम मानी जाती है, 1889 में आई थी, ठीक है, 1889 में आई और इनके लास्ट पोएम भी ये मानी जाती है, और एपिटाफ पे भी इनके क्रॉसिंग द बार की लाइन है। इसके बाद है आपका नो कार्डन, तो ये जो पोयम है ये 1864 में आई थी, नरेटिव पोयम है और यही आपका सही आंसर भी है, यानी 1864 नरेटिव पोयम है ये, और इन दिस पोयम ही नरेट द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन टर्न मर्चेंट सेलर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, नो कार्डन, यानी डी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और मैं अब आपके जो कमेंट्स हैं वो क्लियरली ले पाऊंगी यहाँ पर। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन था आपका, और फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ डिस्टरबेंस था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू और नॉल पेस ट्रिब्यूट टू थ्री ग्रेट पोएट्स, हु आर दे, आपको बताना है कि तीन कौन से पोएट हैं, कौन से थ्री पोएट्स हैं जो कि जिनको ट्रिब्यूट दिया है किसने, मैथ्यू और नॉल ने दिया है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट बता दीजिए कि क्या होगा। चलिए फटाफट से कमेंट बताइए कि मेमोरियल वर्सेस में मैथ्यू और नॉल ने किन दो पोएट्स, थ्री पोएट्स को ट्रिब्यूट दिया था। चलिए फटाफट से बताइए, आपके सामने गेटे, वर्ड्सवर्थ, बायरन, गेटे, शेक्सपियर, मिल्टन, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड गेटे, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, फटाफट से बताइए। ऑप्शन सी काफी ज्यादा आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पर तो चलिए अभी आपके सामने मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि मेमोरियल वर्सेस एक एलिजी है जो कि 1850 में आई थी, ठीक है। मेमोरियल वर्सेस क्या है, एलिजी है जो कि 1850 में आई थी और ये लिखी गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो मेमोरियल वर्सेस की बात करें तो एलिजी है 1850 में आई, डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी गई थी, तो वर्ड्सवर्थ तो कंफर्म हो गए। इसके अलावा अगर उन्होंने किसी को ट्रिब्यूट दिया है तो गेटे एंड लॉर्ड बायरन को दिया है, ठीक है। यानी गेटे, वर्ड्सवर्थ, बायरन, ये तीन पोएट थे जिनको ट्रिब्यूट दिया गया है मेमोरियल वर्सेस में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि सी ऑप्शन नहीं है, शेक्सपियर को उन्होंने नहीं दिया था मेमोरियल वर्सेज में, शेक्सपियर के लिए उन्होंने अलग से पोएम लिखी, इन्होंने मेमोरियल वर्सेस में गेटे को, वर्ड्सवर्थ को और बायरन को ट्रिब्यूट दिया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इयर्स इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिटवीन 1649 एंड 1600 आर नोन एज, आपको बताना है टाइम पीरियड, यानी इंग्लिश हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री का टाइम पीरियड की डेट आपके सामने मेंशन है और आपको बताना है कौन सा टाइम पीरियड था, द नियो क्लासिकल पीरियड था, द कॉमनवेल्थ पीरियड था, द स्टुअर्ट पीरियड था या फिर द जैकोबियन पीरियड था। जी आरोही जी, इसकी पीडीएफ मिलेगी, लास्ट वाले की भी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पेड ग्रुप में पीडीएफ है या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि 1649 टू 1660, द न्यू क्लासिकल, द कॉमनवेल्थ, द स्टुअर्ट या फिर द जैकोबियन। तो न्यू क्लासिकल की बात करते हैं तो न्यू क्लासिकल की डेट अगर हम लोग मेंशन करें तो 1660 तो 1798 होल में पूरा हो जाएगा।
स्टुअर्ट की अगर बात करते हैं तो स्टुअर्ट में आपका जेकोबियन एरा भी आ जाता है, यानी 1603 से लेकर के 1714 तक आपका स्टुअर्ट पीरियड आता है, जब स्टुअर्ट डायनेस्टी थी ट्यूडर डायनेस्टी के बाद। जेकोबियन पीरियड की अगर बात करते हैं तो जेकोबियन पीरियड आपका आता है 1603 टू 1649 एंड 1649 टू 1660 आपका कॉमनवेल्थ पीरियड आ जाता है। तो यहां पर सही ऑप्शन डी ऑप्शन, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नियो क्लासिकल नहीं, द कॉमनवेल्थ पीरियड, यानी द कॉमनवेल्थ पीरियड की जो डेट है वो 1649 टू 1660 है, तो कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है एक्चुअली, आप अगर देखें ध्यान से तो बिल्कुल आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं कि आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जो है वो यहाँ पर चूज करना है। तो फटाफट से बता दीजिए, यह सत्या एक्चुअली अगर माना जाए तो 1625 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यूजीसी नेट 2018 का क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ ही मैच कर रहा है, इस वजह से आपका कॉमनवेल्थ हो जाएगा, यानी रेस्टोरेशन पीरियड भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके सामने है, विलियम पैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस या फिर प्रिंट द फर्स्ट इंग्लिश बुक एंड विलियम शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो, जॉन मिल्टन एरियोपैजिटिका, टोटल्स मिसलनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोर ऑप्शन आपके सामने है, बस उसको आपको सीरियल ऑर्डर में कर देना है, थोड़ा सा टफ है, पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने टाइम दिया हुआ है। तो अगर बात करते हैं कि कॉक्सटन ने जो अपनी पहली बुक प्रिंट करी थी, मैंने लास्ट वाले में भी आपको बताया था कि द रिक्विल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय थी वो 1741 में, यानी विलियम कॉक्सटन की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंट में उनकी प्रिंटिंग प्रेस से जो पहली प्रिंट हुई बुक थी वो आई थी 1741 में, ठीक है, 1641 एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए 1471 आई एम सॉरी, तो 1471 थी वो आपकी जो पहली बुक आई 1471, यहाँ पर हम लोग नोट कर लें। उसके बाद अगर बात करें टोडल्स मिसलनी, जिसको सॉन्ग्स एंड सोनेट भी कहा जाता है, और जिसमें मेनली जो सोनेट्स थी वो विलियम हेनरी होवर्ड की थी या फिर थॉमस यॉर्ट की थी, तो उसमें वो जो सोनेट का कलेक्शन था टोटल, जिसमें 271 सोनेट्स थी, वो आपकी आई थी 1557 में, यानी ये वाली जो है ये आई है 1557 में। और इसके बाद आपकी फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर की 1623 और एट द लास्ट में कौन सी आई है, जॉन मिल्टन की एरियोपैजिटिका आई है जो कि 1644 में आई है, जिसको कि आपको पता है कि लाइसेंसिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में थी। तो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले कॉक्सटन प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा, उसके बाद टोटल्स मिसलनी, और उसके बाद फर्स्ट फोलियो, और उसके बाद एरियोपैजिटिका, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। नेहा शविता सी ऑप्शन, देखो यहाँ पर सबसे पहले विलियम कॉक्सटन ने अपनी बुक जो है वो प्रिंट करी थी, यानी सबसे पहले आपकी विलियम कॉक्सटन की प्रिंट की हुई बुक आ जाएगी, द रिक्विल्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉयज, ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग अ लिटरेरी वर्क बाय रेफरिंग टू एविडेंस आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ सच एज द डिजाइन एंड पर्पस ऑफ द ऑथर इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलेसी, अथोरियल फैलेसी, इंटेंशनल फैलेसी या फिर सिनेक्डोटिक फैलेसी। आप फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ है, लेकिन आपको बस एक चीज पर ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है
इंटरप्रेटिंग ऑफ लिटरेरी वर्क, इस चीज़ पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम इंटरप्रेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी सपोज द एरर ऑफ जजिंग और इलेविएटिंग ऑफ अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ अ रीडर, अगर रीडर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम किसी लिटरेरी टेक्स्ट को इवेल्युएट करते हैं, उसको जज करते हैं, तो जो उसमें एरर होती है, क्योंकि हर रीडर के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेक्स्ट को जज नहीं कर सकते, हर रीडर का अलग अलग प्रोस्पेक्टस होता है, हर रीडर अपने अकॉर्डिंग जज करता है, और हम किसी भी लिटरेरी वर्क को किसी भी रीडर के ऊपर पड़े हुए इफेक्ट के अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा जज करते हैं तो ज़रूर उसके इवेल्युएशन में एरर आती है, और इसी चीज़ को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कहा गया है, अफेक्टिव फैलेसी कहा गया है, द इंटेंशनल फैलेसी कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो है आपकी अफेक्टिव फैलेसी, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो एक्चुअली मेन जो है वो आपका अफेक्टिव फैलेसी होगा, जिसको कि द इंटेंशनल फैलेसी में उन्होंने द विमसेट एंड बियर्ड्सले ने डिस्कस किया था, ठीक है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है वो इंटेंशनल फैलेसी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन जो है वो कन्फ्यूज किया हुआ है तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन मान के चलिए, ये ऑप्शन मैं यहाँ से हटा दूंगी, हो सकता है टाइपिंग में मैंने इसको कर दिया हो, तो इसको मैं यहाँ पे आपको हटा दूंगी, आप बी ऑप्शन मान करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे ए आर रहमान है वो, एक्चुअली ए आर रहमान पैरोडीज अ फेमस पोयम इन हिज स्वगर्ल्ड, आई वुड रैदर बी सकल्ड बाय एन आउटवॉर्न पैगन देन गेट माय हॉर्न वेदर्ड इन एन ओल्ड ट्राइटन, विच पोएट एंड विच पोयम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो लाइन है इसको किस पोएट की लाइन है, आपको बस इतना सा बता देना है कि ये किस पोएट की लाइन है, फटाफट से बता दीजिए। दीपक पहली क्लास है, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप टीजीटी के लिए है या पीजीटी के लिए है ये एक बार बता दीजिए। वेरी गुड, सी ऑप्शन आ चुका है। टीजीटी के लिए है, तो टीजीटी के लिए एक्चुअली भी आपको क्वेश्चन ये वाला आपके लिए हो सकता है टीजीटी के लिए। एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोयम लिखी थी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की ये जो लाइन है, आई वुड रैदर बी सकल्ड बाय एन आउटबॉर्न पैगन, ये आपको लाइन याद रखनी है, ये लाइन किसकी है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, जो कि किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी यहाँ पर, यानी जो सही ऑप्शन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन अगर आपको याद हो, ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन में भी आपको दिया हुआ है नोट डाउन करके, तो ये लाइन आपकी किसकी है, ये लाइन आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेट आ गया है, तो फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। अभी आ गया है नेट, तो फटाफट से बता दीजिए। डब्ल्यू एच ऑर्डन द स्पेनिश सिविल वॉर, लॉर्ड टेनिसन द जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन, विलियम वर्ड्सवर्थ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और विलियम ब्लेक द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको बताना है। ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन। चलिए सी, यानी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाले पार्ट में द प्रिल्यूड के उन्होंने इस लाइन को
कहा है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every ban, the figure of speech characterized by repetition of words or group of words at the beginning of consecutive sentences is called. आपको बताना है कि इसमें कौन सी figure of speech जो है वो use की गई है। फटाफट से बता दीजिए कि कौन सी figure of speech जो है वो इसमें use की गई है। आपके सामने ऑप्शन है अपोस्ट्रोफी, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, एनाफोरा एंड एलिटरेशन। फटाफट से बता दीजिए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है, बता दीजिए। व्हेन लाइन इज रिपीटेड इन अ चेंज कॉन्टेक्स्ट और विद माइनर चेंजेस, ठीक है, अगर माइनर चेंजेस के साथ या चेंज कॉन्टेक्स्ट के साथ लाइन जो है वो रिपीट की जाती है, स्पेशली ये बैलेट में ऐसा होता था, स्पेनिश बैलेट में, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एपोस्ट्रोफी, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन या फिर एनाफोरा या फिर एलिटरेशन। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी तो है नहीं यहाँ पे, पहली चीज, एनाफोरा भी नहीं है, एलिटरेशन भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है आगे आने वाले सेंटेंसेस में विद चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट में माइनर सा चेंज है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जा रहा है। पहले में है इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, ठीक है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, फिर क्या है, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई, इन एवरी वॉइस, यानी हल्का कॉन्टेक्स्ट जो है, एवरी जो वर्ड है वो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो हर लाइन में माइनर सा चेंज हुआ है। और इस तरह का अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक ही लाइन बार बार रिपीट होती है आगे आने वाले सेंटेंस में और विद माइनर चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। स्पेशली ये बैलेट फॉर्म में यूज़ किया जाता था, स्पेशली ये स्पेनिश बैलेट फॉर्म में यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर आप याद रखिए, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि हर सेंटेंस में यूज़ हुआ है, साथ ही साथ इन एवरी अगर आप देखें यहाँ पर, तो इन एवरी, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है यानी जिस पर्पज के लिए यूज़ हुआ है वो हल्का हल्का चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी आप सॉरी सी ऑप्शन, बी नहीं, सी ऑप्शन जो है आपका वो सही है, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच नॉवेल ओपन्स दस, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माय लाइफ और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीवन एल्स, दीज पेजेस मस्ट शो। ये जो लाइन है ये किस नॉवेल की ओपनिंग लाइन है, ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें जो है ये माइनर चेंज विद कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर आपका जो होता है उसको इंक्रीमेंटल रिपीटेशन बोलते हैं। चलिए सुषमा जी, आप मुझे मैसेज करिएगा और बताइएगा क्या दिक्कत है आपको। चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सी नॉवेल है जो कि जो लाइंस आपके सामने लिखी हुई है उनसे ओपन होती है, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर द स्टेशन विल बी हेल्ड बाई एनीवन एल्स, दीज पेजेस मस्ट शो। ट्रिस्टरम सैंडी, डेविड कॉपरफील्ड, लेडी ऑडलेज सीक्रेट या फिर फिट्ज़बर्डस कन्फेशंस, क्या होगा फटाफट से बता दीजिए। यस, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड किसकी थी, डेविड कॉपरफील्ड 1844 में आई, चार्ल्स डिकेन की बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफिकल नावल मानी जाती है, इसको बिल्डिंग्स रोमन का भी एक एग्जाम्पल माना जाता है, यानी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ को दिखाया हुआ है इसमें मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट की। तो डेविड कॉपरफील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग एलिजीज इन इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको बताना है ये जो एलिजीज हैं, फेमस एलिजीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें सेट करना है। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, थायरसिस, इन मेमोरियम, आपको इन्हीं चार एलिजीज का क्या करना है, इन्हीं चार एलिजीज को आपको
सीरियल वाइज लगाना है, फटाफट से बता दीजिए। चलिए फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। अरेंज द फॉलोइंग एलिजीज इन इंग्लिश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन सी एलिजी आई थी? एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, जो कि आई है आपकी 1751 में। 1751 और उसके बाद आपकी कौन सी एलिजी आई हुई है? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एडोनिस आई है आपकी 1821 में। एडोनिस किसने लिखी थी? पीबी सली ने लिखी थी जॉन कीट्स की डेथ पर। थायरसिस की बात करते हैं तो 1865 थायरसिस आई हुई है। किसके डेथ पर लिखी हुई थी? तो आर्थर ह्यूज क्लफ की डेथ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है। और इन मेमोरियम की बात करें तो 1850 में इन मेमोरियम आई हुई है आर्थर हैलम की डेथ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से कौन सा सही है। तो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड पहले नंबर पे, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और इन मेमोरियम थर्ड हो गई, और थायरसिस कौन सी हो गई? फोर्थ हो गई। डेट के अकॉर्डिंग यानी बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड थॉमस ग्रे की है, एडनिस पीबी शेली की है, जॉन कीट्स के लिए लिखी गई थी। थायरसिस मैथ्यू अर्नोल्ड की है, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड क्लफ की डेथ पर लिखा था। इन मेमोरियम टेनिसन की है, जो कि उन्होंने आर्थर हेनरी हैलम के लिए लिखा था। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन जेरोनसन टीएस एलियट सेज, जेरोनसन टीएस एलियट की एक अच्छी सी पोयम है, और उसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है? यहाँ पर डॉट 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 लगा दीजिए, फिर हैज लिख देते हैं। हैज मेनी कनिंग पैसेज कंट्राइव कॉरिडोर्स एंड इश्यूज डिसीव्ड विद विस्परिंग अम्बिशंस गाइड अस बाय वैनिटीज। व्हाट इज एलियट सब्जेक्ट? रिलीजन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्टेट। यहाँ पर इन्होंने जेरोनसन के लाइंस आपके सामने दी हुई है, और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि ये जो लाइन है ये उन्होंने किस सब्जेक्ट के बारे में बात करी है? रिलीजन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर स्टेट के बारे में? तो फटाफट से बता दीजिए किसके बारे में इन्होंने बात करी है यहाँ पर, रिलीजन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, या फिर स्टेट? वेरी गुड, हिस्ट्री की बात करी है यहाँ पर जेरोनसन। उनकी जो पोयम है और बहुत ही फेमस पोयम है, और जिसका मतलब होता है अ लिटिल ओल्ड मैन या फिर डॉर्फ ओल्ड मैन। और ये जो पोयम है जेरोनसन 1920 में आई थी इन एरावोस टेक में। तो ये जो पोयम है इसमें उन्होंने हिस्ट्री, ये जो लाइन है स्पेशली इसमें उन्होंने हिस्ट्री की बात करी है कि हिस्ट्री हैज़ मेनी कनिंग पैसेज। यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिस्ट्री हो जाएगी। हिस्ट्री हैज़ मेनी कनिंग पैसेज, ठीक है, कंट्राइव्ड कॉरिडोर्स एंड इश्यूज डिसीव्ड विद विस्परिंग अम्बिशंस। तो यहाँ पे हिस्ट्री हो जाएगी, हिस्ट्री जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जेरोनसन है क्या? ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा हुआ है कि कौन सी पोयम इनकी ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है जेरोनसन भी, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल ओल्ड मैन। अगेन थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है मैच द पोयम विद द ओपनिंग लाइंस। पहली पोयम दिया है ओट द साइड माय हार्ट एचेस एंड अ ड्राउजी नंबनेस पेन माय सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैव ड्रिंक। सेकंड पोयम है ओड एन अ ग्रेसियन अर्न। थर्ड पोयम है ओड टू अ नाइटिंगेल, और फोर्थ पोयम है ओड एन मेलंकली। नंबर्स लाइन भी दिया हुआ है नो 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 गो गो नॉट टू लिथी नीदर ट्विस्ट वुल्फ्स बेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। और थर्ड नंबर पे पोयम की लाइन है दाउ इज स्टिल अनरैविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। फोर्थ नंबर पे लाइन है ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे अरेंज करना है
कि ए बी सी डी जो है आपका जो लाइन जो पोयम है उसके साथ कौन सा नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जेरोनसन 1920 में पब्लिश हुई थी, 1920 में। तो चलिए फटाफट से, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है पढ़ने में, लेकिन मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप यहाँ पर चेक करके बताइए क्या होगा। दिलीप, अब ये टीजीटी के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन इसमें टीजीटी से रिलेटेड भी मिलेंगे और ग्रामर के क्वेश्चन भी हैं इसमें, क्योंकि कंबाइंड है तो लाइन से आपको टीजीटी का नहीं मिल सकता, लेकिन टीजीटी पीजीटी जीआईसी तीनों के ही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो चलिए अगर इसमें बात करें तो ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रॉन्ग, ये जो लाइन है ये ओड टू साइक की लाइन है, यानी फोर्थ नंबर वाली जो लाइन है वो ए वाले से मैच करने वाली है, यानी ए में फोर्थ होगा। अब दो जगह ए में फोर्थ दिया हुआ है, यानी हम इसको तो कट कर दें और इसको भी कट कर दें। अब हमको सी और डी, सी और बी में देखना है। ठीक है, अब दो बचा हुआ है हमारे पास ऑप्शन, इसी में से हम देखेंगे। इसके बाद देखिए ये जो लाइन है नेक्स्ट वाली, कि ये जो नो नो, ये वाली जो लाइन है नो नो गो नॉट टू लिदी, ये जो लाइन है ये ओड टू मेलंकली की है, यानी ओड टू मेलंकली आपकी डी नंबर पे आ रही है, यानी सेकेंड नंबर पर आपका डी आ गया। ये आपकी ओड टू नाइटेंगल की है, यानी ये सी नंबर की है, और ये जो आपकी बच रही है ये बी नंबर की है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी ए में आपका फोर्थ हो रहा है, बी में आपका क्या हो रहा है, जो ये सेकंड नंबर है आपका, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ नंबर में ए है, थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं दाउ स्टिल अनरेविज्ड, तो ये किसकी लाइन है, ये आपकी बी वाले की लाइन है, यानी बी में आपका थर्ड होना चाहिए। यहाँ पर आ जाइए, यानी ए में फोर्थ होगा, बी में थर्ड होगा, सी जो है आपका ओड टू नाइट एंगल पहला वाला हो जाएगा, और जो डी है ओड टू मेलंकली इसमें सेकंड वाला हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ये एकदम सही है सी वाला। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, चारों ही ओट्स हैं, सिक्स ग्रेट ओट्स लिखी थी 1819 में जॉन कीट्स ने, और ये फोर फेमस ओट्स हैं उनकी, जॉन कीट्स की, जो उन्होंने लिखी और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं आपके सामने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर अ ब्लैक आइड ड्वार्फ हु कॉन्स्टेंटली रिवील्ड अ फ्यू डिसकलर्ड फैंग्स दैट वेरी येट स्कैटर्ड इन हिज माउथ एंड गेव हिम द एस्पेक्ट ऑफ अ पेंटिंग डॉग। आपको बताना है किस कैरेक्टर का ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, रिगैंड इन लिटिल डॉरेट, मलबरी होक इन निकोलस निकलबी, डैनियल फिल्प इन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, या फिर मिस्टर क्रूक इन ब्लेक हाउस। ये चारों ही थॉमस हार्डी की नॉवेल्स हैं और इन चारों के विलेन का नाम आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको बताना है कि ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये किस कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है आपके सामने, फटाफट से बता दीजिए कि किस कैरेक्टर की यहाँ पर बात हो रही है। चलिए फटाफट से बता दीजिए किस कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यस, वेरी गुड, डैनियल फिलिप। ये डैनियल फिलिप जो है ये विलेन था किसका, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का, जिसमें लिटिल नेल एक कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, और इसी की करेक्ट, इसी के पर्सनालिटी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा आपका, डैनियल फिलिप का। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द टाइटल ऑफ डेलन थॉमस डेथ्स एंड एंट्रेंसेस वॉज टेकन फ्रॉम, ठीक है, तो डेथ एंड एंट्रेंसेस की बात की जाए तो ये एक पोएट्री वॉल्यूम है जो कि 1946 में आया था, और आपको बताना है कि इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, रुडयार्ड किपलिंग्स अ डेथ बेड, जॉन डन्स डेथ्स ड्वेल, विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ, या फिर टी एस एलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल।
आपको बताना है इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, फटाफट से आंसर दीजिए। ये एक पोइट्री वॉल्यूम है जिसमें वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से रिलेटेड जो है वो पोएम्स हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से रिलेटेड पोएम्स हैं इसमें, और 1946 में ये पब्लिश भी हुआ था। डेट भी इसकी नोट यहाँ पे कर लीजिए, किस पर बेस्ड है इसका टाइटल जो है वो किस पर बेस्ड है। रूबी क्वालिटी बढ़ा लीजिए यूट्यूब की, तो यहाँ क्योंकि यहाँ से स्क्रीन क्लियर है। अगर बात करें यहाँ पे तो डैलन थॉमस की जो डेथ एंड एंट्रेंसेज है, इसका जो टॉपिक है ये जॉन डन की डेथ ड्वेल, ये उनका सरमन था। जॉन डन की डेथ ड्वेल से लिया गया है ये सरमन, ये उनका सरमन था जहाँ से ये जो लाइन है ये ली गई है डेथ एंड एंट्रेंसेस की, ठीक है। उनकी जो लाइन है वो क्या है, और वेरी बर्थ एंड एंट्रेंसेस इनटू दिस लाइफ इज एन इशू फ्रॉम डेथ, और यहाँ से डेथ एंड एंट्रेंसेस की जो लाइन है जो टाइटल है वो लिया गया है, यानी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वॉट पॉइजन डज Claudius pours into the ear of Hamlet's father, causing his death. आपको पॉइजन का नाम बताना है, ठीक है, आपको नाम बताना है किसका, आपको नाम बताना है उस पॉइजन का जो कि Claudius ने पोर किया था हैमलेट के फादर के ईयर में। फटाफट से नाम बता दीजिए, चलिए फटाफट से बता दीजिए। हेबेनॉन, हैमलॉक, बर्डॉक या फिर बैनबरी, क्या होगा? यस, वेरी गुड, हेबेनॉन। पॉइजन का जो नाम है वो क्या है, हेबेनॉन, यानी हेबेनॉन पॉइजन जो है वो यूज किया था हैमलेट में शेक्सपियर ने, किसके लिए, हैमलेट के फादर को किल करने के लिए थ्रू द क्लॉडियस। हेबनॉन इज द नेम ऑफ द पॉइजन, ठीक है, हेबनॉन यूज किया है उन्होंने, हेमलॉक नहीं। हु इन शेक्सपियर्स हैमलेट मेंबर्स अ सॉन्ग फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नोन एज द टोटल्स मिजलनी। हैमलेट में किसने एक सॉन्ग मंबल किया है जो कि सॉन्ग्स एंड सोनेट्स से रिलेट है, आपको उसका नाम बताना है कैरेक्टर का, फटाफट से बता दीजिए। हैमलेट खुद है, यानी हैमलेट हिमसेल्फ, वन ऑफ द टू क्लाउन्स, अ ग्रेव डिगर, या फिर पोलोनियस, या फिर गर्ट्रूड। किसने जो है वो सॉन्ग मेंबल किया है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का, यानी टोटल्स मिजलनी का, फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, यस, वन ऑफ द टू क्लाउन्स अ ग्रेव डिगर, ग्रेव डिगर सीन है उसमें, जिसको कि हम कॉमिक रिलीफ भी बोल सकते हैं, जब ओफीलिया की डेड बॉडी को वहाँ पर बरीड किया जाता है, तो वहाँ पर जो दो ग्रेव डिगर्स होते हैं उसमें से एक जो होता है वो मंबल करता है एक सॉन्ग जो कि किससे रिलेट है, टोटल्स मिसलनी से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वन ऑफ द टू क्लाउन्स अ ग्रेव डिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। This public place was made famous and immortal by Shakespeare, Sheldon, Donne, Beaumont, Fletcher and Ben Jonson. Name it. यानी एक एलिजाबेथन एरा में एक ऐसा प्लेस था जिसमें कि ये जो लिटरेरी फिगर थे, उस एज के प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स थे, वो हर फर्स्ट फ्राइडे, मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को वहाँ पर मीटिंग करते थे, एक ड्रिंकिंग क्लब था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है द फ्राइडे स्ट्रीट क्लब, मरमेड टैवर्न,
ब्रेड स्ट्रीट या फिर विल्स कॉफी हाउस, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। फ्राइडे मीटिंग होती थी वहाँ पर, और ड्रिंकिंग एक क्लब था वो, जिसमें कि लिटरेरी जो भी उस एरा के ग्रेट लिटरेरी फिगर थे वो वहाँ पर बैठते थे, मिलते थे। तो आपको बस नाम बताना है उस प्लेस का, द फ्राइडे स्ट्रीट क्लब, मरमेड टैवर्न, ब्रेड स्ट्रीट या फिर विल्स कॉफी हाउस। चले यहाँ पर हम बताएं तो मरमेड टैवर्न नाम है उसका, मरमेड टैवर्न। ये एक ड्रिंकिंग क्लब था जहाँ पर उस एज के प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर एज शेक्सपियर, सेल्डन, डन, विमन, फ्लेचर, बेन जॉनसन, ये यहाँ से रिलेट करते थे। ठीक है, यहाँ पर वो बैठते थे, गॉसिप करते थे, डिस्कस करते थे थीम पर, और इसको कहा क्या जाता था, फ्रैटर्निटी ऑफ सेरेनिकल जेंटलमैन कहा जाता था। ठीक है, मरमेड टैवर्न को क्या कहा जाता था, फ्रैटर्निटी ऑफ सेरेनिकल जेंटलमैन, यानी यहाँ पर बैठ करके लोग डिस्कस करते थे जो प्रोमिनेंट फिगर थे उस एरा के, और ये एक ड्रिंकिंग क्लब था। द लाइंस ऑफ मरमेड टैवर्न, ये एक यहाँ पर एक मैं नाम नोट कर दूँ, द लाइंस ऑन द मरमेड टैवर्न। ये एक पोयम थी जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स की ये एक पोयम भी है जो कि 1820 में आई थी। ठीक है, 1820 में ये पोयम भी आई थी। प्लेस आपका मरमेड टैवर्न है और बहुत ही ज़्यादा ये फेमस था। ओके, तो यहाँ पर आप नेम याद कर सकते हैं, मरमेड टैवर्न। ये यूजीसी नेट का एक्चुअली क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। नेक्स्ट है, मैकबेथ हायर्स असेंस टू मर्डर बैंको's सन नेम्ड, आपको बैंको के सन का नेम बताना है, एंगस, फ्लियंस, रॉस या फिर लेनॉक्स, फटाफट से बता दीजिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंको's सन, एंगस, रॉस, फ्लियंस, लेनॉक्स। बैंको का जो मर्डर सीन है एक्ट थ्री सीन थ्री में, बैंको के मर्डर के सीन में उसका जो सन होता है वो बच जाता है, और उसका नाम आपको बताना है कि क्या है, एंगस, रॉस, फ्लियंस या फिर लेनॉक्स। यस, वेरी गुड, फ्लियंस, क्या नाम होता है उसका, फ्लियंस होता है, जो कि बैंको के मर्डर के टाइम पे बच जाता है, यानी उसका बेटा जो है बैंको का, जिससे रियल डेंजर होता है शेक्सपियर को प्रोफेसी के अकॉर्डिंग, वो बच जाता है, और उसका नाम क्या होता है, फ्लियंस। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, लॉर्ड है या थेन्स है। वेयर द बी सक्स इज अ सॉन्ग फ्रॉम विच ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, ये एक सॉन्ग है शेक्सपियर के एक प्ले का, और आपको बताना है किस प्ले में ये सॉन्ग आया है। वेयर द बी सक्स, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, ओथेलो या फिर ट्वेल्थ नाइट, फटाफट से बता दीजिए। वेयर द बी सक्स ये एक सॉन्ग का नेम है जिसको कि एक फेमस कैरेक्टर है, एक इसमें ये जो चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से एक फेमस कैरेक्टर है जिसने इस प्ले को गाया हुआ है एक फेमस प्ले में, और आपको बताना है उस प्ले का नाम। द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, ओथेलो या फिर ट्वेल्थ नाइट, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। वेयर द बी सक्स, चले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वेयर द बी सक्स जो ये सॉन्ग है ये एरियल ने गाया है। एरियल एक स्प्रिट थी, और अब आप मुझे बताइए कि ये जो एरियल है, एक स्प्रिट है, ये किस प्ले में आई हुई है। अब मुझे बता दीजिए, एरियल का सॉन्ग है ये, और एरियल किस में आया हुआ है, अभी भी बी ऑप्शन आ रहा है, एरियल किस में आया हुआ है। अब तो ये शेक्सपियर का है और बहुत ही फेमस है, और एरियल द टेम्पेस्ट में आया हुआ है। एरियल किस में आया हुआ है, द टेम्पेस्ट में है, और यानी ये जो सॉन्ग है वेयर द बी सक्स ये कहाँ आया हुआ है, ये द टेम्पेस्ट में है। ऑल दो एज यू लाइक और ट्वेल्थ नाइट में काफ़ी सारे सॉन्ग हैं, लेकिन ये जो है ये किस में आया हुआ है, द टेम्पेस्ट का सॉन्ग है, यानी वेयर द बी सक्स इज द सॉन्ग बाई एरियल इन द टेम्पेस्ट, विच इज कॉल्ड द स्वान सॉन्ग ऑफ द शेक्सपियर। स्वान सॉन्ग कहा जाता है द टेम्पेस्ट को, लास्ट वर्क कहा जाता है द टेम्पेस्ट को, लास्ट कंप्लीट वर्क है शेक्सपियर का। तो टेम्पेस्ट को आपको याद रखना है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, और इसी में ये जो सॉन्ग है ये आया हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू ए सी ब्रैडले शेक्सपियर्स ट्रेजडीज कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स एक्सपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट एंड कैटास्ट्रोफी सेकेंड है और कंसर्न प्राइमरली विथ वन पर्सन द ट्रेजिक हीरो थर्ड डज नॉट एंड विद द डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो फोर्थ डज नॉट अंडरगो सफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ट्रेजिक फ्लो आपको बताना है ये फोर स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू द ए सी ब्रैडले कौन से स्टेटमेंट सही हैं फटाफट से बता दीजिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड एंड टू थर्ड एंड फोर्थ फटाफट से बता दीजिए क्या सही आंसर होगा चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एक्सपोजिशन कॉन्फ्लिक्ट एंड कैटास्ट्रोफी सही है क्योंकि थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है एक्सपोजिशन यानी बिगनिंग कॉन्फ्लिक्ट यानी रेजिंग एक्शन और कैटास्ट्रोफी यानी ट्रेजिक एंड तीनों ही सही है आर कंसर्न प्राइमरली विथ वन पर्सन द ट्रेजिक हीरो ये भी बिल्कुल सही है स्टोरी जो होती है शेक्सपियर की ट्रेजिडी की वो स्पेशली ट्रेजिक हीरो के चारों तरफ घूमती रहती है बिल्कुल सही है डज नॉट एंड विद डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो ये गलत है क्योंकि उसमें मोस्टली ट्रेजिक हीरो की क्या होती है डेथ हो जाती है डज नॉट अंडर गो सफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ इस ट्रेजिक फ्लो ये भी गलत है क्योंकि जितनी भी सफरिंग होती है वो उसके ट्रेजिक फ्लो की वजह से होती है तो यहाँ पर केवल फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है फेयरवेल ओथेलोज ऑक्यूपेशंस गॉन व्हाट डज दिस क्राई सिग्निफाई आपको बताना है इसका मतलब क्या है फेयरवेल द ओथेलोज ऑक्यूपेशंस गॉन देयर वर नो ड्रामेटिस्ट लेफ्ट आफ्टर बेन जॉनसन द ड्रामेटिस्ट वर टेकिंग अदर ऑक्यूपेशंस द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लोज द थिएटर्स एज प्यूरिटन्स केम टू पावर पीपल प्रेफर्ड पोएट्री आपको बताना है कि क्या होगा सही ऑप्शन फटाफट से बता दीजिए आपके सामने फोर ऑप्शन है फेयरवेल ओथेलोज ऑक्यूपेशंस गॉन इसका लिटरली मीन्स क्या होगा यहाँ पर फटाफट से बताइए क्या होगा सही ऑप्शन तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला लिखा हुआ है देयर वर नो ड्रामेटिस्ट लेफ्ट आफ्टर बेन जॉनसन बिल्कुल गलत है तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे कट कर देते हैं द ड्रामेटिस्ट वर टेकिंग अदर ऑक्यूपेशन ये भी नहीं हो सकता पीपल प्रेफर्ड पोएट्री ऐसा भी नहीं था थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लोज द थिएटर एज प्यूरिटन्स केम टू पावर अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि थिएटर कब क्लोज हुआ था फटाफट से एक कमेंट करके यहाँ पे बता दीजिए कि थिएटर जो है वो कब क्लोज हुआ था डेट मुझे मेंशन करिएगा कि कब थिएटर क्लोज हुआ था डेट मेंशन करिएगा चलिए कमेंट में डेट मेंशन करिए कि थिएटर्स कब क्लोज हुआ था वेरी गुड 1642 मैंने आपको बताया है व्हेन आई वाज टीचिंग मिल्टन यस 1642 में थिएटर्स क्लोज कर दिए गए थे और उसी समय की ये क्राई है फेयरवेल ओथेलोज ऑक्यूपेशंस गॉन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस शेक्सपियर्स प्ले डज कोट माई सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कम्स फ्रॉम फटाफट से बताइए कि ये जो लाइन है ये किस प्ले से ली गई है माई सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट कम्स फ्रॉम फटाफट से बताइए माई सैलड डेज वेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट यानी फ्लोरिसिंग डेज की बात की गई है फ्लोरिसिंग यूथ की बात की गई है और किस प्ले में है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क द विंटर्स टेल या फिर द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर सेकेंड 22nd है फटाफट से आंसर दीजिए क्या होगा यस वेरी गुड 1642 टू 1660 रीओपन इन 1660 22nd आपके सामने है और इसका आंसर क्या होगा माई सैलड डेज वेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट यस वेरी गुड ये जो लाइन है ये एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की लाइन है
एंटोनिन क्लियोपेट्रा रोमन प्ले था उनका, एंटोनिन क्लियोपेट्रा 1606 में आया था नियर अबाउट, और 1606 में आया रोमन प्ले था उनका। तो याद रखना यहाँ से आपको क्या, रोमन प्ले है ये, प्लूटार्क्स लाइफ इसका सोर्स है। सोर्स क्या है? प्लूटार्क्स लाइफ, ठीक है। तो रोमन प्ले है प्लूटार्क्स लाइफ, क्लियोपेट्रा की स्पीच है ये, माई सैलड डेज वेन आई वॉज ग्रीन इन जजमेंट। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फाइनेस्ट राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर का फाइनेस्ट राइटर किसको माना जाता है? कॉमेडी ऑफ मैनर इज कॉल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑल्सो। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी, यानी ये जो कॉमेडी थी मैनर्स पर अटैक करती है, बिहेवियर पर अटैक करती है, और जो फॉपिस कैरेक्टर्स हैं उनको दिखाती है, जो कह सकते हैं कि हाई सोसाइटी थी, जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, उनके डबल बिहेवियर को ये दिखाती है, उनकी उनकी हाइपोक्रेसी को ये दिखाती है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमेडी ऑफ मैनर में आपको देखने के लिए मिलेंगी। रेस्टोरेशन पीरियड में ऐसी कॉमेडीज़ लिखी गई थी, और आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है, ये फोर ऑप्शन से कौन फाइनेस्ट राइटर है कॉमेडी ऑफ मैनर का। यस, विलियम कॉन्ग्रीव, यस वेरी गुड, विलियम वैकरले, विलियम सेरेडन, सॉरी रिचर्ड सेरेडन और विलियम कॉन्ग्रीव, ये फेमस राइटर हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के। विलियम कॉन्ग्रीव की द वे इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बहुत ही फेमस इनकी बुक है, द वे ऑफ द वर्ल्ड, या फिर द डबल डीलर, द मॉर्निंग ब्राइड, लव फॉर लव, ये इनकी फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं। तो यहाँ पर विलियम कॉन्ग्रीव हो जाएगा, स्पेशली इनका जो इनका एक वर्क है जो द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये हमेशा एक अच्छे एग्जाम्पल के फॉर्म में जाना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर के, ठीक है। तो विलियम कॉन्ग्रीव इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सोनेट सिक्वेंस ऑफ द एलिजाबेथन एज। ये मैं अगेन ले रही हूँ क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चंस मुझे मेरे मैसेंजर पर मिल रहे हैं कि मैम पहली सोनेट सीरीज कौन सी है, मैम पहली सोनेट सीरीज कौन सी है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगेन इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर ये एक बार मैं आप लोगों के सामने फिर क्लियर कर देना चाहती हूँ, तो इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए फटाफट से बता दीजिए, सोनेट की सीक्वेंस की आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बतानी है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन से रिलेट था अमरीश। चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। एस्ट्रोफेन डेलिया, एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, शेक्सपियर सोनेट, या फिर अमॉर्टी, आपको बताना है सही सोनेट सीक्वेंस को। चलिए फटाफट से बता दीजिए। डेलिया की अगर बात करते हैं तो 1592 में आई थी, इसकी बात करें तो ये कब आई है, 1592 में आई है, ये 1591 में आई है। शेक्सपियर सोनेट की बात करते हैं तो आपको पता है 1609 में आई है, और अमरीटी की बात करते हैं तो ये कब आई है स्पेंसर की, 1594 में। तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, देन डेलिया, और उसके बाद अमरीटी, और उसके बाद फिर शेक्सपियर सोनेट, और ऐसा जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये आपका सही हो जाएगा बी वाला, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, देन डेलिया, फिर अमरीटी और शेक्सपियर सोनेट। तो आई होप अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न अब यहाँ पे अराइज नहीं होगी। बार बार आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम कौन सी पहली सीरीज़ है, कौन सी पहली सीरीज़ है, तो आई होप कि अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, द फर्स्ट 17 सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर्स कलेक्शन आर ट्रेडिशनली कॉल्ड वॉट। शेक्सपियर ने 154 सोनेट टोटल्स लिखी हैं, जिसमें से अगर बात करते हैं तो 126 सोनेट उन्होंने मिस्टर WH को डेडिकेट करी हैं, 26 सोनेट डार्क लेडी के लिए हैं, और 2 सोनेट जो है वो क्यूपिड के लिए है। इसमें जो पहली 1 to 17 सोनेट्स है उसको क्या कहा जाता है, आपको बस इतना सा बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पर 1 to 17 जो सोनेट नंबर है शेक्सपियर के, उसको क्या कहा जाता है? द प्रोक्रिएशन सोनेट, द प्रोक्रेस्टिनेशन सोनेट्स, द प्रोपोगेशन सोनेट्स, या फिर प्रोमिगुलेशन सोनेट्स, क्या कहा जाता है फटाफट से बता दीजिए।
उनकी फर्स्ट 1 to 17 सोनेट जो है वो हैंडसम यूथ को डेडिकेट है, और वो हैंडसम यूथ को क्या करते हैं, अर्ज करते हैं फॉर मैरिज, ताकि वो चिल्ड्रेन को बोर कर सके और उसकी जो इमॉर्टल ब्यूटी है वो बनी रह सके। तो यहाँ पर क्या है, 1 to 17 सोनेट एड्रेस्ड हैं टू द यंग मैन, अर्जिंग हिम टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू इमॉर्टलाइज हिज ब्यूटी। और इसको कहा जाता है द प्रोक्रिएशन सोनेट्स, यानी फर्स्ट नंबर, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, द प्रोक्रिएशन सोनेट फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, द प्रोक्रिएशन सोनेट। 1 to 17 नंबर के सोनेट को क्या कहा जाता है, द प्रोक्रिएशन सोनेट्स। ठीक है, ऑप्शन ए। द बिगिनिंग ऑफ वॉट क्वेट्रेन नॉर्मली मार्क्स द वोल्टा इन शेक्सपियर सोनेट, फटाफट से बता दीजिए कि शेक्सपियरियन सोनेट में वोल्टा कहाँ पर आता है, किस क्वेट्रेन के बाद। जी आई सी की डेट सितंबर है 19 एंड द पीजीटी वीजो है वो अभी डेट कंफर्म नहीं है, जैसे ही डेट आएगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। व्हाट इज वोल्टा, वोल्टा क्या होता है, चलिए यहाँ पर अगर बिगनिंग को मैं एंडिंग कर दूँ तो आपकी कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ पर एंडिंग होता, देखिए वोल्टा का मतलब होता है टर्न ऑफ थॉट, वोल्टा का मतलब होता है टर्न ऑफ थॉट। शेक्सपियरियन सोनेट का जो होता है वो 3 क्वाट्रेन होता है एंड अ कपलेट, ये इनका पैटर्न होता है, और वोल्टा जो है वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है वोल्टा, यानी एंडिंग ऑफ द सॉरी वोल्टा है, एंडिंग ऑफ द थर्ड क्वेट्रेन एंड बिगनिंग ऑफ द कपलेट। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द कपलेट, तो यहाँ पर एक्चुअली जो है द फोर्थ होगा, यानी कपलेट के पहले, द फोर्थ कपलेट के पहले, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा यहाँ पे बिगनिंग ऑफ विच क्वेट्रेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर द फोर्थ आप कर सकते हैं ऑप्शन में, वैसे यहाँ पे थर्ड के बाद एंडिंग के, यहाँ पर बिगनिंग को मैं एरेस्ट करके एंडिंग कर दूँ तो द थर्ड के बाद, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड के बाद ये जो दो लाइन का कपलेट होता है यहाँ पर आपका जो है वो वोल्टा अराइज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आउट ऑफ दीज पोर्ट्रेज क्राइस्ट रेसिस्टेंस टू सैटन्स टेम्पटेशन एंड हिज विक्ट्री ओवर देम, तो चलिए फटाफट से बता दीजिए क्या होगा, कि कौन सा वर्क है जो कि पोर्ट्रे करता है क्राइस्ट रेसिस्टेंस टू सैटन्स टेम्पटेशन एंड हिज विक्ट्री ओवर देम, फटाफट से बता दीजिए कौन सा वर्क है जो जिसकी जो थीम है वो क्राइस्ट रेसिस्टेंस टू सैटन्स टेम्पटेशन एंड हिज विक्ट्री ओवर देम है, फटाफट से बताइए क्या होगा ऑप्शन, पैराडाइज लॉस्ट, एल एलिग्रो, लिसिडस या फिर पैराडाइज रिगेन्ड। यस, एल एलिग्रो एंड एल पेंसरेसो कंपेनियन पोएम मानी जाती है मर्थ एंड मेलंकली की, लिसिडस इज एन एलिजी, एलिजी है ये जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए लिखी थी फ्रेंड के डेथ पर, और यहाँ पर पैराडाइज रिगेन्ड एंड पैराडाइज लॉस्ट दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम है वो फॉल ऑफ मैन है, यानी इसकी जो थीम है वो है फॉल ऑफ मैन, और जो पैराडाइज रिगेन्ड है ये क्या दिखाता है, ये क्राइस्ट रेसिस्टेंस अगेंस्ट सैटन्स टेम्पटेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। ट्वेंटी सिक्स में क्या है बेटा, 26 में देखिए वोल्टा मैंने कहा था थर्ड आफ्टर द थर्ड क्वेट्रेन, ठीक है, आफ्टर द थर्ड क्वेट्रेन, ठीक है, थर्ड क्वेट्रेन के बाद आपका जो है वो वोल्टा आता है, बिफोर द कपलेट, कपलेट के पहले जो है वो आपका वोल्टा
आ जाता है। यहाँ पे पैराडाइज रिगेन्ड इज करेक्ट, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एज एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वैंड रिंग स्टेप्स एंड स्लो, ठीक है, बुक 12th पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट इज दियर कॉन्सोलेशन। जब एडम एंड ईव ने पैराडाइज लॉस्ट छोड़ा था तो किस कॉन्सोलेशन के साथ छोड़ा था, ये आपको बताना है। फटाफट से बता दीजिए कि क्या होगा। They are comforted by their love for one another. They are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ as Redeemer of mankind. They are comforted by God who travels before them in the form of a pillar of fire. They are comforted by the angel who holds each to them by the hand. आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। अर्चना, सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होती हैं, तो चलिए फटाफट से मुझे बताइए। एडम एंड ईव लीव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वैंड रिंग स्टेप्स एंड स्लो, व्हाट इज देयर कॉन्सोलेशन, क्या था उनका कॉन्सोलेशन, किस कॉन्सोलेशन के साथ उन्होंने पैराडाइज को लीव किया था। तो चलिए यहाँ पे सही आंसर बी ऑप्शन है आपका, दे आर कंफर्टेड बाय देयर फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज रिडीमर ऑफ मैनकाइंड। उनको पता था कि क्राइस्ट जो है यानी सन ऑफ गॉड जो है वो एज अ रिडीमर ऑफ मैनकाइंड आएंगे और तब जा कर के उन्हें सॉल्वेशन मिलेगा, तो ये उनको पहले से पता था, इस जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा कंसोल था, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। In Paradise Lost, which character narrates the story of the making of Eve from a rib of Adam's side? फटाफट से बताइए कौन सा character जो है वो story narrate करता है making of Eve की? Adam, Raphael, Eve या फिर God? ट्वेंटी का आंसर दीजिए, क्या होगा 29 का आंसर, फटाफट से आंसर बताइए। द पैराडाइज लॉस्ट, इन द पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नैरेट्स द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हिज लेफ्ट साइड, यानी एडम की लेफ्ट साइड के रिब से जो है ईव का क्रिएशन हुआ था। मैंने रिटन नोट्स में इसको पर्टिकुलर लिख करके पॉइंट वाइज दिया हुआ है, पूरा पैराडाइज लॉस्ट की बहुत डिटेल नोट्स मैंने दिए हैं आपको। यस, एडम, एडम ने खुद स्टोरी जो है वो बताई थी ईव की, एडम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एडम ने खुद स्टोरी जो है वो ईव के मेकिंग की खुद ही बताई थी रफेल को। वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ विद वो सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, विच पोएम वॉज इट। आपको बताना है कि ये कमेंट सैमुअल जॉनसन ने किस पोएम के लिए किया था। ऑप्शन है पीबी सेलीज एडोनस, फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड और जॉन मिल्टन्स लिसिडस। फेमस फोर एलिजीज हैं आपके सामने और आपको बताना है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इन फोर एलिजीज में से किसके लिए कमेंट किया था कि वेयर देयर इज लिजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ। फटाफट से बताइए, ये भी मैंने आपको अपनी नोट्स में इंक्लूड करके दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट भी मैंने दिया हुआ है, फटाफट से मुझे बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर जॉन मिल्टन की लिसिडस इज द करेक्ट ऑप्शन, जॉन मिल्टन की लिसिडस के लिए ये कमेंट था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, ठीक है, ये कमेंट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिसिडस के लिए किया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जॉन मिल्टन की लिसिडस, ये कमेंट किसके लिए था, लिसिडस के लिए था, तो आप याद रखिए लिसिडस के लिए ये कमेंट है, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज लिटिल ग्रीफ, ठीक है, उन्होंने लिसिडस को क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। पेस्टोरल एलिजी है, मोनोडे भी कही जाती है। What was the name of Arnold's first book of poetry?
आपको पहली बुक ऑफ पोएट्री का नाम बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, न्यू पोएम्स, एम्पेडोक्लेस ऑन एटना, द स्ट्रेट रेवलर, यहाँ पे द है, द स्ट्रेट रेवलर, या फिर द स्कॉलर जिप्सी। फटाफट से बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। What was the name of Arnold's first book of poetry? New poems, Empedocles on Etna, The Stray Traveler, या फिर The Scholar Gypsy? New poems की बात करते हैं तो 1867 में new poems आई हुई है उनकी, 1867 new poems आई हुई है। Empedocles on Etna, ये जो उनकी poem है ये 1852 में आई हुई है। द स्ट्रेट रेवलर की अगर बात करते हैं तो 1849 में आई हुई है द स्ट्रेट रेवलर। और द स्कॉलर जिप्सी, तो स्कॉलर जिप्सी कब आई हुई है, 1853 में। पहली पोएम उनकी कौन सी है 1849 की, द स्ट्रेट रेवलर, ठीक है, सी ऑप्शन। Which poem was published by Tennyson after winning the award of Chancellor's Medal? Chancellor Medal मिलने के बाद Tennyson ने कौन सी poem publish करी थी? फटाफट से answer दे दीजिए। Idol's poem chiefly lyrical, The Princess, या फिर Timbuktu? Which poem was published by Tennyson after winning the award of Chancellor Medal? Chancellor Medal उनको मिला था और इसके बाद उन्होंने अपनी एक poem publish करी थी, आपको उस poem का नाम बताना है, कौन सी थी? आइडल्स, पोएम्स चीफली लिरिकल, द प्रिंसेस। यस, 1829 में उनको अवार्ड मिला था और 1829 में उनकी पोएम आई थी टिम्बुकुटु। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 1829 में उनको चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला था और उसी समय उनकी ये पोएम आई हुई थी। आइडल्स की बात करते हैं तो 1859 से लेकर के 1885 तक आई हुई है। पोएम्स चीफली लिरिकल की बात करें अगर तो 1830 में आई हुई है, और द प्रिंसेस उनकी जो पोएम है ये 1847 में आई हुई है, ठीक है। और 1829 में इनको चांसलर्स रिवॉर्ड मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, और उसके बाद उन्होंने अपनी टिम्बुकुटु जो है ये पोएम पब्लिश करी थी। विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज अ लॉन्ग पोएम ऑफ ओवर 3000 लाइन्स ऑफ ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स एपिक वर्स ड्रामा कह लीजिए, कौन सी है उनकी? वैक्स, द हायर पैंथियज्म, मॉड, या फिर द प्रिंसेस। फोर पोएम्स का ऑप्शन है आपके सामने एंड यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज अ लॉन्ग पोएम ऑफ ओवर 3000 लाइन्स ऑफ ब्लैंक वर्स? फटाफट से बताइए। तो बात करते हैं सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स, जो उनका पोयम है सीरियो कॉमिक ब्लैंक वर्स पोयम द प्रिंसेस, आई कब थी? 1847 में द प्रिंसेस आई है। सीरियो कॉमिक इन ब्लैंक वर्स, इसमें अगर बात की जाए तो 7 लॉन्ग कैंटोज हैं विद प्रोलॉग एंड एपिलॉग, यानी 7 लॉन्ग कैंटोज विद प्रोलॉग एंड एपिलॉग, तो काफ़ी लंबी पोएम है और 3000 लाइंस। और बात किसकी करती है? वुमेन्स फेयर्स की बात करती है, वुमेन्स फेयर की, वुमेन एजुकेशन की बात करती है, वुमेन्स फेयर्स इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, स्पेशली वुमेन राइट्स की बात करती है द प्रिंसेस। तो यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, 7 लॉन्ग कैंटोज हैं इसमें, साथ ही साथ प्रोलॉग एंड एपिलॉग भी है। द प्रिंसेस इज करेक्ट। विच नॉवेल ऑफ हार्डी पोर्ट्रेज अ गर्ल सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट हु नेवर कम्स टू टर्म्स विद द वर्ल्ड? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस ऑफ द अर्विविल्स, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, या फिर द वुडलैंडर्स। आपको बताना है कौन सी उनकी नॉवेल है जिसमें उन्होंने एक गर्ल्स को पोर्ट्रे किया है सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट हु नेवर कम्स टू टर्म्स विद द वर्ल्ड।
34, फटाफट से आंसर करिए। यस, तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, सही आंसर होगा टेस्ट ऑफ द डर्विविलिस। तो टेस्ट ऑफ डर्विविलिस जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, टेस्ट जो है यानी द प्योर वुमन भी हम जानते हैं उसे। ऑप्शन बी, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो यहां पर सही हो जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, वॉट इज माइकल हेंचर्ड्स प्रोफेशन, फॉर्मर, सेफर्ड, बैरेडियर, हेट्रसर। फटाफट से आंसर दीजिए। इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल वट वॉज द प्रोफेशन ऑफ द माइकल हेंचर्ड। यस, माइकल हेंचर्ड प्रोफेशन वॉज, ही वॉज अ हेट्रसर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन हिज पोयम विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी, टी एस एलियट सेज दैट अ ड्रामाटिस्ट वॉज मच पॉजेस्ड बाई डेथ एंड सो द स्कल बीनीथ द स्किन एंड अ पोएट न्यू द एंग्विश ऑफ द मैरो, द एग्यू ऑफ द स्केलेटन, दो द, ठीक है, द एग्यू ऑफ द स्केलेटन, हु आर द ड्रामेटिस्ट एंड द पोएट रेफर्ड टू बाई एलियट। तो एलियट की एक पोएम है विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसमें उन्होंने एक ड्रामेटिस्ट और एक पोएट की बात करी है, और उनके अकॉर्डिंग कौन से वो पोएट और ड्रामेटिस्ट हैं। ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्लो एंड एंड्रू मार्बल, जॉन वेबस्टर एंड जॉन डन, सेनेका एंड होमर, थॉमस किड एंड हेनरी वॉगन। आपके सामने फोर ऑप्शन है एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट से बता दीजिए। देवेंद्र, प्रोलॉग और एपिलॉग मैंने अभी बताया आपको जो पब्लिक क्लासेस हो रही थी, कि ड्रामा के स्टार्टिंग में या किसी पोएम के स्टार्टिंग में जो कुछ लाइंस होती हैं अबाउट द वर्क, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग, एंड अगर वो लाइंस एंडिंग में है अबाउट द वर्क, दैट इज कॉल्ड एपिलॉग। तो फटाफट से बता दीजिए क्या है सही आंसर। चलिए, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन यस, ये जो पोएम है अगर बात करें, जिसकी लाइन आपके सामने लिखी हुई थी कि दैट अ ड्रामेटिस्ट वॉज मच पोजेस्ड बाय द डेथ एंड सॉ द स्कल बीनीथ द स्किन एंड अ पोएट न्यू द एंग्विश ऑफ द मैरो, द एग ऑफ द स्केलेटन, एक का मतलब फीवर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये जो पोएम है इनकी, इस पोएम में उन्होंने जैकोबियन मास्टर्स जो थे, यानी जैकोबियन एरा के जो मास्टर्स थे, उनको ट्रिब्यूट किया है। और आपके सामने अगर बात की जाए तो ये जो पोएम है, इसकी बात करते हैं तो ये पोएम आपकी 1919 में पब्लिश हुई थी लिटिल रिव्यू में, ठीक है, 1919 में ये पोएम आपकी आई हुई है, 1919 में पोएम आई हुई है, ठीक है, यानी 1919 में ये पोएम पब्लिश हुई है इन द लिटिल रिव्यू। और इसमें उन्होंने बात करी है किसकी, इसमें उन्होंने बात करी है जॉन वेबस्टर एंड जॉन डन, स्पेशली इन दोनों की, यानी जैकोबियन मास्टर्स की बात करी है, जैकोबियन मास्टर्स यानी जैकोबियन एरा के जो प्रोमिनेंट फिगर थे उनकी बात करी है, प्राइमरली बात करी है जॉन वेबस्टर ड्रामेटिस्ट के फॉर्म में एंड जॉन डन पोएट के फॉर्म में। वैसे भी वो जॉन डन को बहुत पसंद करते थे, एडमायर करते थे, इसलिए आप यहाँ पर गेस भी कर सकते थे जॉन डन को देख करके, सिर्फ एक ही ऑप्शन में जॉन डन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है।
तो यहाँ पर विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी याद रखिएगा, इसमें उन्होंने जैकोबियन मास्टर्स को प्रेज किया है, ठीक है, और स्पेशली बात करी है जॉन वेस्टर एंड जॉन डेन की। विच पोएम एंटिसिपेट्स द थॉट ऑफ द वेस्ट लैंड, फटाफट से बता दीजिए। विच पोएम एंटिसिपेट्स द थॉट्स ऑफ द वेस्ट लैंड, हिपोपोटेमस, डांस ले रेस्ट्रो, जेरोनसन या फिर होलोमैन। डांस ले रेस्ट्रो जो है उनकी ये फ्रेंच पोएम थी, 31 लाइंस की पोएम है ये, और जेरोनसन अभी मैंने आपको बात करी थी 1920 में आई थी। हिपोपोटेमस की बात करते हैं तो 1919 में आई थी पोएम्स में। होलोमैन, होलोमैन भी बहुत ही फेमस पोएम है जिसकी लाइन बहुत फेमस है, दिस इज़ द वे वर्ड इन, दिस इज़ द वे वर्ड इन, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, 1925 में आई थी। और आपको ऑप्शन सही चूज़ करना है इसमें से कि कौन सी पोएम है जो कि एंटिसिपेट करती है द वेस्ट लैंड के थॉट को, यानी द वेस्ट लैंड उसी थॉट पे वो भी पोएम लिखी गई है जिस पर द वेस्ट लैंड लिखी गई है, यानी द वेस्ट लैंड के पहले की पोएम हो सकती है वो। सही ऑप्शन जेरोनसन है। जेरोनसन की बात करें तो इलियट ने इसे सोचा था कि वो एज अ प्रीफेस कंसिडर करेंगे द वेस्ट लैंड का, यानी जेरोनसन को उन्होंने सोचा था, इलियट कंसिडर जेरोनसन एज अ प्रीफेस ऑफ द वेस्ट लैंड अलॉन्ग विद द जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, यानी दो पोएम को उन्होंने सोचा था एज अ प्रीफेस ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वेस्ट लैंड, और वो थी उसमें से एक जेरोनसन। यहाँ पर जेरोनसन की जो थीम है वही थीम आपकी द वेस्ट लैंड की भी है, यानी द वेस्ट लैंड और जेरोनसन दोनों की जो थीम है वो सेम है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, नॉट डी, ऑप्शन सी जेरोनसन, नॉट डी ऑप्शन, जेरोनसन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, बिकॉज ही थॉट जेरोनसन इंक्लूड दिस पोएम इंक्लूडिंग एज अ प्रीफेस ऑफ द वेस्ट लैंड, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे द वेस्ट लैंड का प्रीफेस के फॉर्म में उन्होंने जेरोनसन को सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, फेयर फॉरवर्ड, सो कृष्णा एज वेल ही एडमोनिस्ड अर्जुना ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम, आपको बताना है, ठीक है, कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन जेरोनसन को मैंने आपको लिखवाया हो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको उन्होंने एज अ प्रीफेस इंक्लूड करने के लिए सोचा था, यानी यही एक ऐसी पोएम है जो कि थॉट को एंटिसिपेट करती है द वेस्ट लैंड के। यहाँ भी आपके सामने ऑप्शन है, 38 क्वेश्चन है आपके सामने, एंड डू नॉट थिंक ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन फेयर फॉरवर्ड सो कृष्णा एज वेन एज ही एडमोनिस्ड अर्जुना ऑन द फील्ड ऑफ बैटल। इंडियन माइथोलॉजी से रिलेट करके भगवद्गीता का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, भगवद्गीता की थीम पर बेस्ड करके ये लाइन है टीएस एलियट की, और इसको उन्होंने किस में यूज़ किया है, द वेस्ट लैंड में, जेरोनसन में, फोर क्वार्टर्स या फिर एस वेडनेसडे, एस वेंसडे, फटाफट से बताइए। तो एस वेंसडे की बात करते हैं तो एस वेंसडे को कन्वर्जन पोएम मानी जाती है, 1930 में लिखा था इन्होंने। फोर क्वार्टर्स की बात करते हैं तो फोर क्वार्टर्स जो है इनकी ये काफ़ी फेमस पोएम है इनकी, और इसी का थर्ड सेक्शन है द ड्राई स्लेवेजेस, ठीक है, द ड्राई स्लेवेजेस सेक्शन 3 है, वहाँ से ये लाइन ली गई है, यानी दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द फोर क्वार्टर्स, फोर क्वार्टर्स से लाइन ली, क्वार्टेट से लाइन ली गई है, यहाँ पे देखिए द फोर क्वार्टेट से लाइन ली गई है उनकी थर्ड सेक्शन 3 से, ठीक है, सेक्शन 3 से जो है वो लाइन ली गई है, सेक्शन 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेक्शन 3 याद रखिएगा। ऑप्शन सी, अ टिपिकल थीम ऑफ द यूनिक सॉन्ग इन कमला दास द डांस ऑफ द यूनिक इज, आपको बताना है द डांस ऑफ द यूनिक कमला दास की एक पोएम है, इसकी थीम क्या है, फटाफट से थीम इसकी बता दीजिए, पोइट्री एंड पेन, लवर्स डाइंग, फ्लड्स एंड फायर एंड चिल्ड्रंस अबंडेंट, आपको बताना है द डांस ऑफ द यूनिक की थीम क्या है।
What is the theme of the dance of unique by Kamala Das? Poetry and pain, lovers dying, floods and fire, children abandoned. तो चलिए यहाँ पर आपको थीम बताएं, पोइट्री एंड पेन, वेरी गुड। द डांस ऑफ यूनिक, ठीक है, ये जो पोएम है ये इसकी जो थीम है वो पोइट्री एंड पेन है, यानी मेलंकली को भी दिखाती हुई एक पोएम है। और इसमें जो यूनिक कम्युनिटी है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी उनके पेन को, उनकी मिजरेबल कंडीशन को यहाँ पर दिखाया गया है। Which of the following poem by Kamala Das is in dialogue form? The Invitation, In Love, Iqbal या फिर The Suicide? कौन सी पोएम है जो कि डायलॉग फॉर्म में है, कमेंट कीजिए। 39 के बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म? द इनविटेशन, इन लव, इकबाल या फिर द सुसाइड? चलिए फटाफट से बताइए। वेरी गुड, द इनविटेशन। द इनविटेशन जो कि द डिसेंडेंट में आई थी 1967 में, और सी बिटवीन, इसमें एक डायलॉग है बिटवीन सी एंड द लवर, जो सी है वो बार बार लवर को सुसाइड करने के लिए इनवाइट करता है। तो द डिसेंडेंट में आई थी द इनविटेशन 1967 में, और ये ही है जिसमें आपका डायलॉग फॉर्म में ये पोएम है, बिटवीन द सी एंड अ लवर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाय मुल्कराज आनंद? अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द सेकेंड वाइफ या फिर कुली? कौन सी नॉवेल जो है वो मुल्कराज आनंद की नहीं है, फटाफट से बता दीजिए। अनटचेबल, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द सेकेंड वाइफ, कुली। यस, द सेकेंड वाइफ रेबेका फ्लीट की है, और हिंदी में अगर बात करें तो दूसरी औरत करके मुंशी प्रेमचंद की भी है। तो यहाँ पर द सेकेंड वाइफ इज नॉट अ नॉवेल ऑफ द मुल्कराज आनंद। हु रोट दीज लाइन, आई कैन नॉट लीव दिस आईलैंड, आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, आंसर दीजिए। हु रोट दीज लाइन्स, I cannot leave this island. I was born here and belong. Yes. चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी, यस ऑप्शन नंबर डी, नज़िम एज़िकल, नज़िम एज़िकल की पोएम है आइलैंड। इसमें उन्होंने कहा है कि आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग। ये नज़िम एज़िकल की लाइन है, वेरी गुड, नज़िम एज़िकल। निज़िम एज़िकल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स हिज फीलिंग एलिनेशन, हिज लव फॉर रूरल लाइफ, हिज लव फॉर रिलीजन, नन ऑफ द एबव। फटाफट से बता दीजिए क्या होगा आंसर। चलिए बताइए, निज़िम एज़िकल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स His feeling alienation, his love for rural life, his love for religion, none of the above. Yes, theme of alienation is common in his in the poem of Nazim Azikal. ठीक है, तो in search of real identity, आपको याद होगा background casually जो है उनकी autobiographical poem है, जिसमें उन्होंने हिंदूज पर jabs किए हैं और उन्होंने कहा I am like a mugging zoo. तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने theme of alienation की बात करी है actually. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
Who utter these words? I guess I am not nature poet. I have written only two poems without a human being in them. ये लाइन किसकी है? जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ, विटमैन, फ्रॉस्ट. चलिए फटाफट से बता दीजिए ये लाइन किसकी है. आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट. आई हैव रिटन ओनली टू पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बींग्स इन देम. फटाफट से बताइए. यस, वेरी गुड. फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइन है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं ये, और इनकी ही ये लाइन थी. हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कितने बार पुलित्जर प्राइज मिला था? डेट के साथ मेंशन करिएगा, फटाफट से बताइए. हाउ मेनी टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज? यस, फोर टाइम्स ही गॉट पुलित्जर प्राइज. फॉर फोर टाइम्स, 1924, 1931, 1937 एंड 1943. ठीक है, फोर टाइम्स इनको मिला था. अगर बात करते हैं तो 1924 में मिला है, 1931 में मिला है, 1937 में मिला है और 1943 में मिला है. ठीक है, तो ये फोर टाइम इनको पुलित्जर प्राइज मिला है. ठीक है, फोर टाइम इनको पुलित्जर प्राइज मिला है. 1924 की बात करते हैं तो न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था. 1931 में इनको कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है. 1937 के लिए इनको फर्दर रेंस के लिए मिला है. और यहाँ पर विटनेस ट्री 1943, चार बार इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है. फोर टाइम्स ही गॉट पुलित्जर प्राइज अवार्ड. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ ब्रिटिश पोएट सेटल्ड इन अमेरिका, एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड, अ कैनेडियन पोएट सेटल्ड इन अमेरिका, एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड. फटाफट से बता दीजिए सही आंसर क्या होगा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चलिए फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर. An American poet settled in England या New England. Robert Frost को New England का poet कहा जाता था. ठीक है, Robert Frost को क्या कहा जाता था? New England. इनकी poetry में specially New England जो है वो हमको, उसके आसपास का area जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है. D option यहाँ पे जो हो जाएगा वो correct हो जाएगा. The Kelson of creation is love. ठीक है, केल्सन, द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव द अकर्स इन वॉल्ट विटमिन. वॉल्ट विटमिन की किस में अकर हुई है ये लाइन? द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, पैसेज टू इंडिया, अ कैप्टन माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फिर पेमेनक. आपको बताना है सही आंसर क्या होगा. फटाफट से आंसर बता दीजिए. केल्सन का मतलब होता है, केल्सन अगर आपने शिप को ही देखी है तो उसमें बीच में बीम लगी होती है जो कि शिप को सपोर्ट करती है, उसे केल्सन बोलते हैं. यहाँ पे जो लाइन है केल्सन इज द केल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, यानी द अल्टीमेट बीम, द अल्टीमेट फोर्स जो कि क्रिएशन का है, यानी क्रिएशन के लिए जो अल्टीमेट फोर्स है वो लव है किसी भी क्रिएशन के लिए. तो ये जो लाइन है ये कहाँ पर आई है? फटाफट से आंसर करिए. पैसेज टू इंडिया, ओ कैप्टन माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फिर पर्मानेंट. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, वेरी गुड. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई है, फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास के. और लीव्स ऑफ ग्रास को क्या कहा जाता है? बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है. यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ.
हेमिंग्वेज नॉवेल अ फेयरवेल टू ऑर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 3 books, 5 books, 2 books, 4 books. फटाफट से आंसर दीजिए. हेमिंग्वे ने अपनी नॉवेल लिखी थी फेयरवेल टू आर्म्स, जो कि थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफिकल टच लेकर के नॉवेल है इनकी, जिसमें अगर बात करते हैं तो कैरेक्टर है आपका एक फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले की, जिसमें जो फ्रेडरिक हेनरी लेफ्टिनेंट होता है और कैथरीन नर्स होती है. इनके खुद की स्टोरी से रिजेंबल करती हुई स्टोरी है ये. और कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है, 3, 2, 5 या फिर 4? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929 में आई और 5 books में ये डिवाइडेड है. ठीक है, किस में डिवाइडेड है, 5 books में. 1929 में आई थी और 5 books में डिवाइडेड है ये, टोटल 5 books में. जॉन गोल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ऑल द एबव. बताइए क्या होगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए. What is the correct option? Yes, all the above. तीनों ही चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गोल्सवर्दी इज अ, फटाफट से बताइए डार्क फ्लावर जॉन गोल्सवर्दी की क्या है, इसका जेनरा क्या है डार्क फ्लावर का. चलिए फटाफट से बताइए. A love drama, a love novel, a tragic play and a comic play. John Galsworthy ki The Dark Flower. What is Dark Flower? इट इज़ अ लव नॉवेल, ट्रैजिक प्ले नहीं है भाई. नाइनटीन में आई थी ये आपकी डार्क द डार्क फ्लावर, और है क्या, लव नॉवेल है ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉकनी स्कूल, फटाफट से बता दीजिए. कॉकनी स्कूल क्या था, कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, और वहां पर जस्ट अ मिनट, एक मिनट. फिफ्टी की अगर बात करते हैं तो आई एम सॉरी, द डार्क फ्लावर इज अ कॉमिक प्ले. ठीक है, इसमें आप डी वाला ऑप्शन सही करिएगा. द डार्क फ्लावर इज अ कॉमिक प्ले, ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉकनी स्कूल. चलिए 50 का बताइए फटाफट से, सॉरी 51 का.
51 Hazlitt, John Kitts, Coleridge and Leigh Hunt. कॉलरिज, यस, कोकनी स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो कोकनी स्कूल जो टर्म है वो ब्लैकवुड मैगजीन ने एक्चुअली क्वाइन किया था. ब्लैकवुड मैगजीन ने कह सकते हैं कि हॉस्टाइल रिव्यू दिया था स्पेशली ले हंट के लिए, लेकिन इसमें जो है वो हैजलिट और जॉन कीट्स को भी शामिल कर लिया गया था. यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. कॉलरिज जो है वो सही ऑप्शन नहीं है. ठीक है, कॉलरिज जो है वो सही ऑप्शन नहीं है. यानी यहाँ पर कोकनी स्कूल में कॉलरिज जो है वो इंक्लूड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 50 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है इसमें. अ लव ड्रामा, लव नॉवेल, ट्रेजिक प्ले, कॉमिक प्ले. तो बिल्कुल सही है जो पहले मैंने टिक कराया था. मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई हूँ. अ लव नॉवेल इज करेक्ट हियर. डार्क फ्लावर 1913 में आया था ये. ठीक है, 1913 एंड अ लव नॉवेल. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज. चलिए यहाँ पर बता दीजिए. हाँ, लव नॉवेल ही सही है. एक्चुअली 1913 में आया था. लव नॉवेल ही सही है. फटाफट से बताइए. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज. बिब्लियोग्राफी, फिलोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या फिर पैलेंथोलॉजी. फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर. बिब्लियोग्राफी आप जानते हैं वर्क की डिटेल होती है. मॉर्फोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है. और अगर बात करते हैं फैलेंटोलॉजी, तो फैलेंटोलॉजी क्या होती है, जिसमें स्पेशली हम किसी प्री हिस्टोरिक स्पीसीज का की स्टडी करते हैं जो कि अब एक्सटेंट हो चुके हैं स्पेशली फॉसिल फ्यूल के थ्रू, तो वो आपकी हो जाती है फैलेंटोलॉजी. फिलोलॉजी क्या होती है, फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ अ लैंग्वेज. ठीक है, तो फिलोलॉजी इज करेक्ट हियर. फिलोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन. फिलोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही है. नेक्स्ट है द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज टू रेफर. आपको बताना है लॉस्ट जनरेशन जो है, ठीक है, लॉस्ट जनरेशन किसके लिए यूज किया गया था. चलिए लॉस्ट जनरेशन जो है वो किसके लिए यूज किया गया था. बिब्लियोग्राफी, फिलोलॉजी, आई एम सॉरी, एक्चुअली ये थोड़ा सा आपका बोर्ड जो है वो पीछे चल रहा है. द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज यूज टू रेफर अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वॉर पीरियड, अमेरिकन राइटर्स टू द डिकेट्स फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेट्स फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, या फिर अमेरिकन राइटर्स ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड. जी अवधेश जी, कभी कभी हो जाता है, लेकिन लव नॉवेल ही सही था एक्चुअली. कन्फ्यूज आपके आंसर की वजह से थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ, लेकिन वो लव नॉवेल ही सही है. तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, द लॉस्ट जनरेशन, ये जो टर्म यूज किया गया है ये यूज किया गया है उन पोएट्स के लिए जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के डिकेड्स में जो पोएट्स थे उनके लिए यूज किया गया था. यानी द लॉस्ट जनरेशन किनके लिए यूज किया गया है, अमेरिकन राइटर्स ऑफ द डिकेड्स फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो राइटर्स थे उनके लिए द लॉस्ट जनरेशन यूज किया गया. यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, केयरलेस इज विथ आर्टफुल केयर, अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. पैराडॉक्स, मेटाफोर, आयरनी, सिमली. फटाफट से आंसर बताइए कि ये किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है. फटाफट से आंसर बता दीजिए. क्वेश्चन नंबर 54 आंसर बताइए क्या होगा.
यस पैराडॉक्स, क्योंकि यहाँ पर है क्या सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए केयरलेस सी इज विथ आर्टफुल केयर, ठीक है, केयर और केयरलेस दोनों आया हुआ है। अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, अफेक्टिंग भी है और अनअफेक्टेड भी है, यानी क्या है दो अपोजिट, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी जो थॉट्स है वो एक साथ है, यानी दो कॉन्ट्रोडिक्टरी थॉट्स जब एक साथ है यानी ये है क्या ये पैराडॉक्स है। वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी, लिटोटेस, पैरिफ्रेसिस या पैरिफ्रेसिस या फिर प्रोलेप्सिस। फटाफट से आंसर बताना है आपको, ही इज सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी क्या होगा। He is citizen of no mean city is an example of tautology, litotes या फिर periphrasis या फिर prolepsis। Tautology, litotes, periphrasis, prolepsis। Yes, option number B। जब दो negative word एक साथ हो जाएं, ठीक है, दो negative चीज़ें एक साथ अगर आपको बताई जा रही हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर लिटोटिस। जैसे कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ही इज़ अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, यानी ही इज़ अ सिटीजन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिटीजन। दो नेगेटिव चीज़ों को एक साथ रख करके पॉजिटिव इफेक्ट जब दिया जाता है वो आपका क्या हो जाता है लिटोटिस। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इफ़ यू से कॉन्टेजियस कंट्रीज इंस्टीड ऑफ contagious countries you will be making। यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी सब्सटीट्यूट स्पेलिंग यूज़ कर ली गई है यहाँ पे contagious और contagious, तो ये जो मिस्टेक होगी इसको क्या कहेंगे, euphemism या फिर spoonerism या फिर euphemism या फिर malapropism। आपको बताना है, फोर ऑप्शन आपके सामने है कि इफ़ यू से contagious countries instead of contagious countries you will be making a mistake known as euphemism या फिर spoonerism या फिर euphemism या फिर malapropism। वर्बल मिस्टेक है लेकिन इसमें एक वर्ड के बदले में दूसरे वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा। euphemism की बात करते हैं, तो euphemism क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है, जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट नहीं कहते बल्कि इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन के थ्रू उसके हार्शनेस को कम करने के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था डेड को पास अवे हम लोग बोल देते हैं या नो मोर बोल देते हैं। स्पूनरिज्म की बात करते हैं तो वर्बल मिस्टेक ये भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये एरर इन स्पीकिंग, ठीक है, जैसे कि अगर जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसको थोड़ा गलत बोलना या जैसे कि लव अफेयर को लव अफेयर की जगह अटेयर बोल देना, तो इस तरह से अगर जो स्पीकिंग में मिस्टेक हो रही है उसको हम बोलते हैं स्पूनरिज्म। यूफिज्म की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल एलाबरेटेड राइटिंग स्टाइल है ये, और मेलाप्रोपिज्म क्या है, मेलाप्रोपिज्म इज करेक्ट हियर, जब हमारी वर्बल मिस्टेक हो यानी सब्स्टिट्यूट वर्ड को हम वहाँ पर यूज़ कर लें वो क्या हो जाती है हमारी यहाँ पर मेलाप्रोपिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेलाप्रोपिज्म इज क्रिएट करेक्ट हियर, ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मेलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अ पोएट वंस रेफर्ड टू एन ओल्ड मैन एज अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम में डब्ल्यू बी ईट्स ने कहा है ये लाइन, और आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, सरकास्म, मेटाफर, मेटोनिमी या फिर सिमली। फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। कोई बात नहीं सीमा, ये थोड़ी सी जो है वो राइटिंग स्किल और यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड था, ये टर्म्स भी आपको दे दिए जाएंगे। चलो यहाँ पे बताइए, सरकास, मेटाफर, मेटोनिमी, सिमली। सेलिंग टू बाइजेंटियम डब्ल्यू वीट्स की एक पोयम है, उसकी ये लाइन है अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, तो यहाँ पर क्या होगा, सरकास, मेटाफर, मेटोनिमी, सिमली। तो चलिए यहाँ पर जान लीजिए मेटाफर, यहाँ पर एक चीज़ देखिए मेटाफर होगा, क्यों मेटाफर होगा,
टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक। ओल्ड मैन कैसा है? ओल्ड मैन ऐसा है कि जैसे किसी स्टिक के ऊपर एक कोट लगा दिया गया, एक कोट पहना दिया गया हो। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया है ओल्ड मैन को विदाउट यूजिंग एज और लाइक, यानी इम्प्लाइड सिमली है, यानी क्या है, मेटाफर है। इम्प्लाइड सिमली यानी विदाउट यूजिंग एज और लाइक, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बिना यूज किए हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा अ लव नॉवेल थी दिग्विजय। और 55 अभी देख लेते हैं इसमें कौन सा है, इसको करवा दें उसके बाद, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर इज करेक्ट हियर। 55 में मैंने आपको बताया था मेलाप्रोपिज्म, आई थिंक यही क्वेश्चन था आपका, ये 56 है, इसमें एलेटोटिस था, आपको ऑप्शन बताया था मैंने, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, वीडियो दोबारा से रिवॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या होगा फटाफट से बताइए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जी नहीं, स्पूनरिज्म नहीं होगा। स्पूनरिज्म तब होता है जब आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, सब्स्टिट्यूट वर्ड वहाँ पर आपने यूज ना किया हो, जब आप बोलते समय ही जो उसमें कॉन्सोनेंट वगैरह हैं उनको आप गलत बोले, वो स्पूनरिज्म होता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज कर लिया गया है। यहाँ पर वेरी गुड, पर्सोनिफिकेशन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर नेसेसिटी को क्या मान लिया गया है, मदर मान लिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द ऑगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज, ऑगस्टन एज को ऑगस्टन एज क्यों कहते हैं, फटाफट से बताइए, ऑगस्टन एज, चलिए फटाफट से बताइए, ऑगस्टन एज को ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है। किंग ऑगस्टस रूल्ड ओवर इंग्लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, द इंग्लिश राइटर इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, द इंग्लिश किंग वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त, या फिर दिस वॉज एन एज ऑफ सेंसिबिलिटी। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। रोमन राइटर्स यानी किंग ऑगस्टस के टाइम के जो रोमन राइटर्स थे उनको इमिटेट किया था इस टाइम के इंग्लिश राइटर्स ने, इसीलिए इस टाइम को उन्होंने क्या कहा था, ऑगस्टन पीरियड कहा था, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ठीक है। दोबारा से वॉच कीजिएगा, सिमली नहीं होगी, मेटाफर होगा, एज लाइक नहीं है वहां पर। हु इज रिगार्डेड एज फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश, जॉन वाइक्लिफ, थॉमस मोरे, विलियम टिंडेल, या फिर विलियम लैंगलॉर्ड। फटाफट से बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। Who is regarded as the first translator of Bible in English? फटाफट से बताइए। Yes. जॉन वाइक्लिफ, बिल्कुल सही, जॉन वाइक्लिफ सही है। जॉन वाइक्लिफ को फर्स्ट ट्रांसलेटर माना जाता है 14 सेंचुरी में, उसके बाद विलियम टिंडेल की कंप्लीट आई थी। तो जॉन वाइक्लिफ इज द फर्स्ट ट्रांसलेटर, देन विलियम टिंडेल, ठीक है। तो फर्स्ट आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑथर ऑफ नाइटिंगल्स इज, रूपर्ट ब्रूक, जॉन किट्स फ्रॉस्ट, या फिर रॉबर्ट ब्रिज। फटाफट से बताइए क्या होगा सही आंसर। The writer of Nightingale,
हु इज द राइटर ऑफ नाइटिंगल? फटाफट से आंसर दीजिए यहाँ पे. रूपर्ट ब्रूक, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर रॉबर्ट ब्रिज? यस, रॉबर्ट ब्रिजेस की पोयम है नाइटिंगल. रॉबर्ट ब्रिजेस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है. रॉबर्ट ब्रिजेस इज द पोएट ऑफ द नाइटिंगल, और नाइटिंगल पोयम किसकी है? रॉबर्ट ब्रिजेस की है. ओड टू नाइटिंगल जॉन कीट्स की है. ठीक है, ओड टू नाइटिंगल किसकी है? जॉन कीट्स की है. और द नाइटिंगल किसकी है? कॉलरिज की है. तो द नाइटिंगल कॉलरिज की है, ओड टू नाइटिंगल जॉन कीट्स की है, और नाइटिंगल किसकी है? रॉबर्ट ब्रिजेस की है. ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको करेक्ट स्पेल वर्ड आपको यहाँ पर चूज करना है. फटाफट से चूज करिए. फोर ऑप्शन है आपके सामने और आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है वो चूज करना है. रिदम की स्पेलिंग सही क्या होगी? फटाफट से बताइए, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिदम? यस, आर एच वाई टी एच एम. ये किसमें है? आर एच वाई टी एच एम, पहले वाले ऑप्शन में. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिदम. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. नेक्स्ट है अगेन वही एवंगार्ड, और एवंगार्ड की आपको सही स्पेलिंग बतानी है फोर ऑप्शन से. फटाफट से बताइए एवंगार्ड की सही स्पेलिंग क्या है. द नाइट एंगल कॉलरिज की है. कॉलरिज की द नाइट एंगल है. ओड टू नाइट एंगल जॉन कीट्स की है, और नाइट एंगल रॉबर्ट ब्रिजेस की है. यहां पर बताना है 63 का आंसर. यस, 63 बी ऑप्शन इज करेक्ट. एवंगार्ड का सही आंसर क्या है, सही स्पेलिंग क्या है? ए वी ए एन टी जी ए आर डी ई. ठीक है, पायनियर इसको बोल सकते हैं हम, या किसी चीज़, किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने वाला बोल सकते हैं एवंगार्ड. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है स्पेलिंग इसकी. नेक्स्ट है अगेन स्पेलिंग से ही. आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड विविसेक्शन. चलिए 64th का बताइए क्या होगा आंसर. विविसेक्शन आप सही आंसर दीजिए क्या होगा. चलिए अगर इसकी बात करें 64 की, तो 64th में आपका जो पहला ऑप्शन है वी आई वी आई एस ई सी टी आई ओ एन, वो आपका सही ऑप्शन है. यानी विविसेक्शन, यानी जब हम किसी चीज़ को को कट करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, किसी लिविंग बीइंग को या किसी चीज़ का, अगर साइंस का टर्म है ये, अगर किसी चीज़ का सेक्शन करते हैं उसकी स्टडी करने के लिए, तो उसको विविसेक्शन बोलते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो है वो सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग बतानी है फैल्गमेटिक की. तो सही स्पेलिंग बता दीजिए फैल्गमेटिक की क्या होगी. फैल्गमेटिक का मतलब काम होता है, बहुत शांत रहने वाला. तो फैल्गमेटिक सही से बताइए 65 वाला आंसर क्या होगा, फैल्गमेटिक की सही स्पेलिंग. चलिए फैल्गमेटिक विच मीन्स काम, बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला, सही स्पेलिंग क्या होगी? पी एच एल ई जी एम ए टी आई सी, और ये स्पेलिंग है बी वाले ऑप्शन में. यानी बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग फैल्गमेटिक. नेक्स्ट है, टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड. यहाँ पर आपको इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है. फटाफट से इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बताइए. व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस डू यू राइट अ गुड हैंड? ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड. ही आस्क्ड वेदर द रोट दे रोट अ गुड हैंड. ही आस्क्ड वेदर आई रिटन अ गुड हैंड. ही आस्क्ड वेदर आई वॉज रिटन अ गुड हैंड. फटाफट से बताइए क्या होगा सही ऑप्शन. 66
क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करिए 66। यस, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यू है और यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहां पर, आई हो जाएगा। डू यू राइट अ गुड हैंड, ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या तुम एक गुड हैंड राइटर हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई रोट अ गुड हैंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। वेदर लग जाएगा, इफ या वेदर लगता है जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स, क्या होगा? फटाफट से आंसर बता दीजिए। He said to them all goodbye my friends. He told to his friend goodbye. He said to his friend goodbye. He bade goodbye to all his friends. या फिर none of these. 67. Yes, 67, option number C. He bade goodbye to all his friends. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सेड आई वॉन्ट टू विजिट माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। 68, मोहन सेड आई वॉन्ट टू विजिट माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड, क्वेश्चन नंबर 68। मोहन सेड ही वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड दैट वीकेंड, मोहन सेड ही वॉन्टेड टू विजिट हिज फ्रेंड दैट वीकेंड, मोहन सेड ही वॉन्टेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दिस वीकेंड, मोहन सेड ही वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड दिस वीकेंड। यस, ऑप्शन नंबर ए, मोहन सेड ही वॉन्ट्स टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीकेंड। ठीक है, यहां पर दिस का दैट हो जाएगा, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है ये। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, द टीचर सेड टू द बॉय गो अवे फ्रॉम योर क्लास, इसको देख लीजिएगा यहां पे। मोहन सेड ही वॉन्टेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीकेंड, ठीक है, ये क्योंकि किसमें है, आई वॉन्ट टू विजिट माई फ्रेंड दैट वीकेंड, तो ये किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, वॉन्टेड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ही वॉन्टेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीकेंड। नेक्स्ट यहां पर है, गो अवे फ्रॉम योर क्लास, द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय गो अवे फ्रॉम योर क्लास, क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। द टीचर सेड टू द बॉय टू गो अवे फ्रॉम हिज क्लास। यस, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो अवे फ्रॉम द क्लास, टीचर जो है वो प्लीड नहीं करेगा, प्लीड होता यहाँ पर अगर, या बेग्ड होता तो उसके लिए आपको, या रिक्वेस्टेड होता तो प्लीज लगा होता, लेकिन यहाँ प्लीज नहीं है, तो प्लीड नहीं होगा, रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा, ऑर्डर्ड होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द। अब फ्रॉम दैट क्लास, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा। पुट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, गुड मॉर्निंग विजय सेड रमेश आर यू गोइंग टू द मार्केट, चलिए यहां पर क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है आपको।
पुट द गिवन सेंटेंस इन टू इनडायरेक्ट नरेशन. सेंटेंस क्या है? गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश आर यू गोइंग टू द मार्केट. तो क्या हो जाएगा इसका? रमेश विज्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, या फिर रमेश सेड गुड मॉर्निंग टू विजय एंड आस्क्ड ही गोइंग टू द मार्केट, रमेश विज्ड गुड मॉर्निंग टू विजय एंड आस्क्ड व्हेन ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, या फिर रमेश टोल्ड गुड मॉर्निंग टू विजय एंड आस्क्ड दैट वेदर ही वॉज गोइंग टू मार्केट. क्या हो जाएगा? मैं साइड ही हूं. चलिए फटाफट से बताइए. इस तरह से मैंने एक बार और भी पूछा था शायद, मुझे जहाँ तक याद है. ऑप्शन ए यहाँ पर देखो, इसको मैंने पूछा भी था शायद, मुझे जहाँ तक याद है. ऑप्शन नंबर ए, आप में से कई सारे लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं, लेकिन रमेश विज्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वॉज गोइंग टू द मार्केट. ठीक है, यहाँ पर आर है तो आर से क्या हो जाएगा? इफ या वेदर का यूज हम करेंगे. यहाँ पर वेन है तो ये वाला नहीं होगा, ये याद रखिए. सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा. तो कुछ लोगों ने जो सी बताया था वो नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए. द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स, गिफ्ट ऑफ द गैप का मीन्स क्या होता है? फटाफट से आंसर दीजिए. व्हाट इज द मीन्स ऑफ गिफ्ट ऑफ गैप? पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ एलोकेंस, ब्लेसिंग या फिर ट्रेजर, क्या होगा? फटाफट से आंसर बताइए. गिफ्ट ऑफ गैप, व्हाट इज द मीन्स ऑफ गिफ्ट ऑफ गैप? काफी फेमस ये वर्ड है, फटाफट से बताइए क्या होगा. पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ एलोक्वेंस, ब्लेसिंग या फिर ट्रेजर. तो यहां पर देखिए गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है, अगर बात करें, एबिलिटी टू स्पीक, यानी बहुत ज्यादा जो अच्छा बोलता हो, एक गुड ओरेटर हो, उसको हम बोल सकते हैं गिफ्ट ऑफ गैप. ठीक है, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो लच्छेदार बात करने वाला, या फिर कह सकते हैं कि अवे विद वर्ड्स बोल सकते हैं उसको, या फिर अवे या एबिलिटी टू स्पीक बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एलोक्वेंस. यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो वाक पटु. ठीक है, वाक पटु, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बोल पाता हो, उसको हम बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैब. तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? पावर ऑफ एलोक्वेंस. एलोक्वेंस का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो वाक पटुता. ठीक है, यानी एबिलिटी टू स्पीक, तो वो क्या हो जाएगी? पावर ऑफ एलोक्वेंस. सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा यहाँ पर. दे सेंड हिम बिकॉज ही वॉज लेचरस मैन हु ऑलवेज लुक्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चीट अदर्स. इसका सिनोनिम्स बताना है आपको. चलिए लेचरस का सिनोनिम्स बताना है एक्चुअली आपको, फटाफट से बताइए क्या होगा लेचरस का सिनोनिम्स? What is the synonyms of lecherous? They sent him because he was a lecherous man who always looked for an opportunity to cheat others. क्या होगा बताइए, फटाफट से बता दीजिए. What is the mean of lecherous? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर. देखिए आपको सेंटेंस के हिसाब से लग सकता है कि कनिंग होगा या डिसेप्टिव होगा या डिसऑनेस्ट होगा, लेकिन लेचरस इन तीनों में से कोई नहीं है. लेचरस का मीन्स होता है लस्टफुल. ठीक है, यानी टू मच इंटरेस्ट इन फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप. तो लस्टफुल यहाँ पर सही आंसर होगा लेचरस का. जो लेचरस वर्ड है उसका सही मीनिंग क्या होता है? लस्टफुल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर कनिंग, डिसेप्टिव या फिर डिसऑनेस्ट नहीं होगा, लस्टफुल इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, दे न्यू बाय हिज सोफोमोरिक रिमार्क दैट ही वॉज स्टिल नेवी इन द फील्ड.
चलिए अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसका मीन्स क्या होगा, इस ये जो यहाँ पर लिखा है सोफोमोरिक, तो इसका मीन्स क्या होगा फटाफट से बता दीजिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड या सिनोनिम्स आप बता सकते हैं, सिमिलर मीनिंग कुछ भी बताइए। सेंटेंस ध्यान से अगर पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। नेवी लिखा हुआ है, नेवी का मतलब क्या होता है, अनएक्सपीरियंस्ड। तो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर होगा तो कैसा उसका जो है कैसा रिमार्क होगा, कैसा उसका कह सकते हैं बात होगी, तो फटाफट से बताइए। यस, इमैच्योर, ठीक है, या ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है इसका। अगर यहाँ इस सेंटेंस में इमेच्योर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर आपको ओवर कॉन्फिडेंट का भी अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा आप नेवी हैं, यानी आप नए हैं, अनएक्सपीरियंस है, लेकिन आप कहें कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, तो ये आपका कैसा इस रिमार्क हो जाएगा, सोफोमोरिक। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इमेच्योर, ठीक है, इमेच्योर जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द राइट डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिनेलिया। तो मार्जिनेलिया का यहाँ पर आपको सही मीनिंग बताना है, फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नहीं है, अंडरलाइंड है, तो इसकी सिनोनिम्स बतानी है। चलिए मार्जिनेलिया का आपको यहाँ पे मतलब बताना है, मार्क विथ पेंसिल एंड ड्रॉन ऑन द रूफ्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, मेंबर ऑफ अ ग्रुप हु डू नॉट एक्चुअली फाइट बट ऑब्जर्व कॉम्बैट फ्रॉम आउटसाइड, नोट्स रिटन इन द मार्जिन ऑफ अ बुक डॉक्यूमेंट्स यू हैव रीड, या फिर पीपल हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बॉर्डर कंट्रीज एंड टेरिटरीज। तो यहाँ पे मार्जिनेलिया का मीन्स क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मार्जिनेलिया, 74। यस, 74 का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी मार्जिनेलिया क्या होता है, नोट्स रिटन इन द मार्जिन्स ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू रीड, ठीक है। यानी जब आप इसको क्या बोलते हैं, इसको सोलियम भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नोट बोल सकते हैं, स्कोलियम बोल सकते हैं, स्कोलिया बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसकी एक मीनिंग स्कोलियम भी होती है। तो मार्जिनेलिया यानी जब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो उसमें मार्जिनेलिया जो होती है वहाँ पर जो नोट्स लिखा होता है छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनेलिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीपल हैव ट्राइड दियर बेस्ट टू प्रोवोक द फूड विक्टिम्स। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा टू प्रोवोक की मीनिंग, यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है टू प्रोवोक का। तो चलिए यहाँ पर बताइए, फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड टू प्रोवोक, क्या होगा, कन्विंस, ग्रेटिफाई, पैसिफाई, अट्रैक्ट। टू प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टर अप करना, किसी चीज़ को राइज करना, टू एंगर, ठीक है। तो टू प्रोवोक का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को उकसाना। तो यहाँ पर उकसाना है तो उसका यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्विंस हो नहीं पाएगा, ग्रेटिफाई भी नहीं हो पाएगा, अट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा, होगा क्या, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। तो अगर टू प्रोवोक का मतलब है उकसाना तो पैसिफाई का मीन्स क्या हो जाएगा, शांत करना। तो 75 में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इज अपोज इन मीनिंग ऑफ रेटिसेंट। रेटिसेंट का आपको मतलब अपोजिट मीनिंग बतानी है। ऑप्शन है साइलेंट, क्वाइट, वोकल एंड वर्बोज। फोर ऑप्शन आपके सामने है 76 में और आपको बताना है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द रेटिसेंट। फटाफट से बताइए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द रेटिसेंट, साइलेंट, क्वाइट, वोकल या फिर वर्बोज। यस, अगर रेटिसेंट की बात की जाए तो रेटिसेंट का मतलब होता है साइलेंट, यानी साइलेंट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं
कि जो बहुत कम बोलने वाला इंसान हो, जो अपने थॉट्स को विलिंगली जो रिवील ना करता हो, तो ऐसा पर्सन जो कि बहुत शांत रहता हो, तो साइलेंट हो नहीं सकता, क्वाइट भी नहीं हो सकता, दोनों सिनोनिम्स में चला जाएगा। वोकल एंड वर्बोज, तो वोकल का मतलब होता है बोलने वाला, यानी अगर आप बात करें अगर वोकल की, तो वोकल हो जाता है बीइंग आउट स्पोकन, जो बहुत ही ब्लंट हो बोलने में, उसको आप वोकल बोल सकते हैं। वर्बोज क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बातूनी, तो यहाँ पर वर्बोज जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ द, यहाँ पर लिखा हुआ है बिलिंग्रेंट, तो बिलिंग्रेंट का आपको सही एंटोनिम बताना है। बिलिंग्रेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका सही एंटोनिम बता सकते हैं। तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द बिलिंग्रेंट? कोऑपरेटिव, पीसफुल, रिवोल्यूशनरी या फिर अनइंटरेस्टेड? तो अगर बात की जाए बिलिंग्रेंट की, तो बिलिंग्रेंट का मतलब होता है वॉर लाइक कैरेक्टर या फिर होस्टाइल कैरेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कोई होस्टाइल कैरेक्टर है, बेलिकोस है, कोई होस्टाइल है, बहुत ज़्यादा वॉर लाइक है, हमेशा लड़ने के लिए रेडी है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको हम कहते हैं बेलिग्रेंट। तो यहाँ पर जब इसका मतलब होता है वॉर लाइक या फिर होस्टाइल, तो हो क्या जाएगा इसका एंटोनिम्स? पीसफुल, ठीक है? इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा, रिवोल्यूशनरी नहीं होगा, रिवोल्यूशनरी मिलता जुलता हो जाएगा, अनइंटरेस्टेड भी नहीं होगा, कोऑपरेटिव भी एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीसफुल, बहुत ज़्यादा आक्रामक और बहुत ज़्यादा शांत। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली, आपको बताना है कि इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली। ऑप्शन आपके सामने है अगर बात करें तो अल्टीमोजेनिचो, प्राइमिपरा या फिर प्राइमोर्डियल या फिर प्राइमोजेनिचो, तो फटाफट से बताइए व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्टीमोजेनिचो, प्राइमिपरा या फिर प्राइमपरा या फिर प्राइमोडियल या फिर प्राइमोजेनिचो, फोर ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है सही आंसर, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन अ फैमिली। तो 78 में अगर मैं आपको बात करूं, तो अगर हम बात करते हैं प्राइमपरा की, जिसको आप लोग ऑप्शन में बी बहुत चूज कर रहे हैं, तो प्राइमपरा प्राइमोजेनिचर की बात करें या फिर प्राइमपरा, और या फिर अगर बात करते हैं किसकी, तो प्राइमपरा जो होता है, जी सबका मीनिंग बता दे रहे हैं, सबका मीनिंग बता दे रहे हैं, प्राइमपरा की जो बात होती है तो वो होती है कि ऐसे वुमन जो कि फर्स्ट टाइम किसी बेबी को बर्थ करती है, उसको प्राइमपरा कहते हैं, ठीक है? प्राइमपरा की बात करें तो, ठीक है, प्राइमपरा की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाती है, वुमन हु गेव बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? पहली बार अगर कोई वुमन बर्थ करती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमपरा। प्राइमोर्डियल की अगर बात करते हैं तो प्राइमोर्डियल का मतलब होता है, यहाँ पर इसकी बात करें तो प्राइमोर्डियल का मतलब होता है प्री हिस्टोरियन टाइम्स, यानी बहुत पहले से कह सकते हैं एंशियंट टाइम से जो चीज़ आपके सामने इस्टेब्लिश, उसको हम बोलते हैं कि प्राइमोर्डियल, यानी प्रिमिटिव जिसको बोल सकते हैं, प्राचीन समय से, आदिकाल से। प्राइमोजेनिचर एंड अल्टीमोजेनिचर, तो इसी का जस्ट अपोजिट है अल्टीमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि जो आपका क्वेश्चन है, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली, ठीक है? प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है? प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली, यानी पहला बच्चा जो कि फैमिली में हुआ हो, या फिर कानूनन रूप से जब कहा जाता है कि पहला बच्चा ही जो है पूरी संपत्ति का वारिस होगा, तो उसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो प्राइमोजेनिचर यूज़ किया जाता है, कि प्राइमोजेनिचर, ठीक है, यानी पहला बच्चा, बड़ा बच्चा, फैमिली का जो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा उसके लिए प्राइमोजेनिचर, और इसी का क्या है, ये एंटोनिम्स है अल्टीमोजेनिचर, ठीक है? तो यहाँ पर आप याद रखिए प्राइमोजेनिचर इज द करेक्ट ऑप्शन।
इसको मैं यहाँ पे टिक कर दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। यहाँ पर आपको ऐसे स्टेट के बारे में बात कर रहा है जिसमें कुछ लोगों का जो ग्रुप है वो लोगों पे रूल करते हैं, तो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, फटाफट से बताइए। ऑलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, मोनार्की या फिर ऑटोक्रेसी, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। ऑलिगार्की, प्लूटोक्रेसी, मोनार्की या फिर ऑटोक्रेसी। मोनार्की आपको पता है क्या होती है, यानी रॉयल जो आपका रूल होता है उसको मोनार्की बोलते हैं। ऑटोक्रेसी जब कोई डिक्टेटरशिप आ जाती है या जहाँ पर कहते हैं विलिंगनेस के हिसाब से होता है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी क्या होती है, प्लूटोक्रेसी होता है जब वेल्दी लोगों का शासन होता है, वेल्दी रूल होता है, कुछ वेल्दी जो लोग होते हैं, वेल्दी पर्सन्स, वो रूल करते हैं किसी कम्युनिटी पर या किसी कंट्री पर या किसी बिजनेस पर, उसको हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। और जो है तो यहाँ पर ओलिगार्की की बात करते हैं, तो ओलिगार्की जो है, ओलिगार्की का मतलब होता है जब कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल किसी कंट्री पर या किसी बिजनेस पर रूल करता है तो उसे ओलिगार्की बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओलिगार्की। ठीक है, ओलिगार्की जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एन एल डोरेडो, एल डोरेडो का मीन्स क्या होगा, प्लेस ऑफ एबंडेंस, प्लेस ऑफ स्कार्सिटी, प्लेस ऑफ मिजरी, प्लेस ऑफ सफरिंग। एल डोरेडो जो है ये एक्चुअली एक क्लासिक स्टोरी पर बेस्ड वर्ड है, फॉरेन वर्ड है एल डोरेडो, और वी एस नायपल ने लिखा भी है हिस्ट्री ऑफ द एल डोरेडो। तो वी एस नायपल का एक वर्क भी है एल डोरेडो की, तो वो हिस्ट्री हिस्टोरिकल बुक है उनकी एल डोरेडो। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें एक किंग था जिसके पास काफ़ी सारा वेल्थ था, काफ़ी सारा गोल्ड था, उसकी स्टोरी है। तो एल डोरेडो जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लेस ऑफ एबंडेंस, प्लेस ऑफ स्कार्सिटी, प्लेस ऑफ मिजरी या प्लेस ऑफ सफरिंग। जैसे अभी मैंने स्टोरी से रिलेट करके आपको बताया कि काफ़ी वेल्दी किंग था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ एबंडेंस, ठीक है, प्लेस ऑफ एबंडेंस या प्लेस ऑफरिंग ग्रेट वेल्थ, ये भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं अनअटेनेबल थिंग, जिसको कि पाया ना जा सके, ऐसी चीज़ या जहाँ पर बहुत सारा पैसा हो, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो, जो कभी ख़त्म ना होने वाली जहाँ से चीज़ें हों, उसको हम क्या बोलते हैं, एल डोरेडो। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, प्लेस ऑफ एबंडेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। Use the proper idiomatic phrase in the following sentence. The rebels, their arms. ठीक है, led out, led down, led up, led by. What is the correct option? फटाफट से बताइए क्या fill किया जाएगा, कौन सा इसमें idiom fill किया जाएगा, phrasal verb है, कौन सा fill किया जाएगा। चलिए फटाफट से बताइए, द रेबल्स देयर आर्म क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है लेड आउट, लेड डाउन, लेड अप या फिर लेड बाय। लेड आउट का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज में अरेंज करना, डिजाइन में अरेंज करना। ठीक है, लेट डाउन का मतलब होता है टू गिव अप या छोड़ देना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा, आप में से ए ऑप्शन जितने भी लोग कह रहे हैं, लेट आउट नहीं होगा, लेट डाउन होगा। ठीक है, लेट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अरेंज करना इन पैटर्न और डिजाइन। तो लेट आउट जो है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ समथिंग इन पैटर्न और डिजाइन, तो लेट आउट नहीं हो सकता, लेट अप भी नहीं होगा, लेट बाई भी नहीं होगा, होगा क्या, लेट डाउन। इसका मतलब होता है क्या, टू गिव अप, यानी जो रेबल्स थे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। ठीक है, हथियार डाल दिए का मतलब क्या होगा, लेट डाउन, हथियार रख दिए। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idioms और फ्रेज टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, फटाफट से बताइए कि क्या होगा, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट।
Yes, to accept a challenge. Second option is very correct here. To accept the gauntlet means to accept a challenge. B option is correct here. ठीक है. Next देखते हैं. Which one is the correct passive form of novels interest me? ठीक है. तो यहाँ पे interest और me के बीच में gap नहीं है, आप उसे gap कर लीजिएगा. Novel interest me. फटाफट से बताइए इसका passive form क्या होगा. Novels are interested by me. I have interest in novel, I am interested in novel, या फिर I have been interested in novel. What is the correct passive voice of the sentence novels interest me? फटाफट से बताइए what is the correct passive voice? Novel interest me. Yes, option number C. सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. वेरी गुड. आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल. ठीक है. आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल. नॉवेल इंटरेस्ट मी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? आई एम इंटरेस्टेड इन नॉवेल. क्लियर. आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्या है? वी मे फिनिश द वर्क सून. फटाफट से बताइए क्या होगा. द वर्क मे फिनिश्ड सून, द वर्क माइट बी फिनिश्ड सून, द वर्क माइट फिनिश सून, या फिर नन ऑफ दीज. यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब वाला है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब और उसके बाद बी देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा आपका? द वर्क मे, माइट नहीं होगा भाई, नरेशन नहीं है. द वर्क मे बी फिनिश्ड सून. मॉडल वर्ब के बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आपका सेंटेंस हो जाएगा. तो द वर्क मे बी फिनिश्ड सून. ठीक है. द वर्क मे बी फिनिश्ड सून. यहाँ पर देखिए मॉडल के साथ क्या हो जाएगा? मॉडल, मॉडल प्लस आपकी बी. मॉडल के साथ क्या हो जाएगी? बी आपकी वर्ब वहां पर आ जाएगी. नेक्स्ट आपके सामने है द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स. आपको इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी है. फटाफट से इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस बता दीजिए. व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस? बताइए. द सर्जन ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्या हो जाएगा? फटाफट से बता दीजिए. यस, वेरी गुड. बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. ही वॉज ऑपरेटेड ऑन बाई द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज यहाँ पर लग जाएगा. वेरी गुड. ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर इज. ओपन द डोर इज का पैसिव वॉइस क्या होगा? ओपन द डोर इज. लेट द डोर बी ओपन, लेट अस ओपन द डोर मे बी ओपन, या फिर द डोर इज टू बी ओपन. क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपन, लेट अस ओपन द डोर मे बी ओपन, या फिर द डोर इज टू बी ओपन. Let the door be opened. Yes, very good. Option A is correct here. Let the door be opened.
मधुलिका एडोर्ड श्यामा ट्रांसफॉर्म इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस. इसको नेगेटिव में आपको एक्सचेंज करना है. मधुलिका अडोर्ड श्यामा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है. तो मधुलिका नेवर अडोर्ड श्यामा, मधुलिका डिड नॉट अडोर श्यामा, मधुलिका अडोर श्यामा अ लॉट, या फिर मधुलिका वॉज नॉट विदाउट अडोरेशन फ्रॉम श्यामा. क्या हो जाएगा फटाफट से बता दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. नेगेटिव सेंटेंस में करना है. क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मधुलिका अडोर्ड श्यामा, ठीक है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में है. तो यहाँ पे मधुलिका डिड नॉट अडोर्ड श्यामा अगर हो जाएगा तो इसकी नेगेटिव मीनिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है. बी ऑप्शन, और इसके साथ ही साथ ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है. मधुलिका नेवर अडोर्ड श्यामा, ये ज्यादा करेक्ट होगा अगर बात करें कि मधुलिका नेवर अडोर्ड श्यामा, यानी मधुलिका जो है वो कभी भी श्यामा को अडोर्ड नहीं करती है. तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो वो ज्यादा करेक्ट माना जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज्यादा बेस्ट सूट करेगा इस पर, मधुलिका नेवर अडोर्ड श्यामा. नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस. आपको यहां पर क्या बताना है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यानी आपको यहां पर देखना है किस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर है. ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान, नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड ऑफ फॉर, आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफी, आई फियर ही विल फेल. तो यहाँ पर पंक्चुएशन वाली मिस्टेक मत निकालना, पंक्चुएशन मैं लगा दे रही हूँ, बाकी आप ग्रामेटिकली मिस्टेक यहाँ पर बता दीजिए. चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे, कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है. चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा. बी ऑप्शन, यस वेरी गुड, बी ऑप्शन गलत है. लेकिन कहाँ गलत है ये भी बताया आप लोगों ने कि यहां पर गलत है मैम वर्क. क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, नीदर ऑफ, और नीदर ऑफ के साथ क्या हो गया, यहां पर सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर हो गया तो क्या हो जाएगा, यहां पर वॉज हो जाएगा, ठीक है. सिंगुलर हो गया तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, और यहां पर क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है. तो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, यानी ऑप्शन बी, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज एन ऑन्ट हु इज वेरी रिच, मेक अ सिंपल सेंटेंस. आपको इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है. सी हैज एन ऑन्ट विच इज वेरी, हु इज वेरी रिच. सी हैज एन ऑन्ट इज वेरी रिच, hers is an aunt who is rich, an aunt who is very rich is hers, she has a very rich aunt. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा. एंड यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, she has an aunt who is very rich, इसको आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है. यस डी ऑप्शन इज करेक्ट, she has a very rich aunt. सबसे सिंपल सेंटेंस आपका जो वन क्लास में बनेगा वो यही है, सी हैज अ वेरी रिच आंट, यानी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है, देयर आर एनी फ्लावर इन द गार्डन, अ फ्यू, एट ऑल फ्यू, या फिर स्कार्सली. आपको फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा, देयर आर एनी फ्लावर इन द गार्डन, क्या फिल किया जाएगा, फटाफट से फिल कर दीजिए क्या फिल किया जाएगा.
बताइए क्या फिल किया जाएगा? यस, स्कार्सली। क्यों? क्योंकि स्कार्सली जो है वो निगेटिव मीनिंग देता है हमारा, और निगेटिव मीनिंग ही यहाँ पर यूज किया जाएगा। क्यों? देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर, एनी लगा हुआ है यानी शायद ही, मुश्किल से ही कोई फ्लावर गार्डन में हो, तो स्कार्सली यहाँ पर जो है वो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, सिंथेसाइज द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज इन टू वन सिंपल सेंटेंस। होमर वॉज अ ग्रेट पोएट, ही वॉज बॉर्न सम वेयर, नो बडी नोज वेयर। इसको आपको एक सेंटेंस में चेंज करना है। चलिए फटाफट से बात फटाफट से बताइए क्या होगा। चलिए क्या होगा इसका सिंथेसाइज आपको बताना है, सिंथेसाइज इसको करके एक सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। यस, होमर अ ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न समवेयर, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। होमर अ ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न समवेयर। सिंथेसाइज अगर हम इसको करते हैं, सिंथेसिस करते हैं इसकी, तो यहाँ पर एक सेंटेंस जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, होमर अ ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न समवेयर। नो बडी नोज वेयर लिखने की हमें जरूरत नहीं है अगर हमने यहाँ पर यही लिख दिया है कि बॉर्न समवेयर। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू, टू का यूज करना है हमें। ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक। चलिए फटाफट से बता दीजिए क्या होगा। यहां पर ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुड नॉट थिंक क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, वेरी गुड, ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, ऑप्शन नंबर सी। टू, टू का जब यूज होता है तो उसको हम सो दैट से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ प्रीपोजिशन फिल करना है आपको। आई बॉट दिस पेन 5 रुपीज, क्या फिल किया जाएगा, फटाफट से बताइए क्या फिल किया जाएगा। यस, फॉर, वेरी गुड, फॉर 5 रुपीज, यानी कॉस्ट जो हमने यूज की है वो 5 रुपीज है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी प्रीपोजिशन है, रजनी वॉज डिप्राइव्ड हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। चलिए क्या होगा बता दीजिए। यस, डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे डिप्राइव्ड ऑफ। द पुलिस अक्यूज द यंग मैन मर्डर, यहां पर आपको क्या फिल करना है, प्रीपोजिशन क्या होगा, फटाफट से बताइए। द पुलिस अक्यूज द यंग मैन मर्डर, यहां भी आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, क्या फिल किया जाएगा। यस, वेरी गुड, ऑफ मर्डर, यहाँ क्या फिल किया जाएगा, ऑफ, यंग मैन ऑफ मर्डर।
ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको सेंटेंस में एरर बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किस पार्ट में एरर है, आपको यही बताना है। यहाँ पर लिखा है, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ऑरेटर्स इफ वन वॉन्ट टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। नो एरर, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ऑरेटर्स इफ वन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। फटाफट से बता दीजिए किस में आपको, ठीक है, किस में आपको यहाँ पर लगाना है, किस में आपको यहाँ पर एरर है। फटाफट से बताइए किस में एरर है, किस पार्ट में एरर है, फटाफट से बता दीजिए। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। चलिए, वेरी गुड, वंस होगा, वेरी गुड। यहां पर देखिए लिखा हुआ है हिज, ठीक है, और वन के साथ क्या आता है, उसके उसका जो पॉजिटिव है वो हो जाता है वंस। तो यहां क्या हो जाएगा, वंस होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वंस। सी पार्ट में जो है वो एरर है। मार्क द पार्ट, अगेन यही चीज है यहां पर, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलरिटीज इन द, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, क्वालिफिकेशन ऑफ टू कैंडिडेट्स, ये सेकेंड पार्ट था, डिफरेंसेस अमोंग देम आर क्वाइट प्रोनाउंस्ड, ये आपका थर्ड पार्ट था, नो एरर फोर्थ है। चले यहां पर बता दीजिए क्या होगा, यहां पर कहां एरर है, फटाफट से बताइए कहां पर एरर है। चलिए फटाफट से बताइए कहां पर एरर है। और क्या एरर है ये भी बताइएगा। यस, वेरी गुड रचना। डिफरेंस बिटवीन, अमोंग लिखा हुआ है, डिफरेंसेस अमोंग, अमोंग हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, और यहीं पर क्या है, मिस्टेक है। यानी सेंटेंस में अगर बात करें तो बिटवीन में मिस्टेक है, यानी अमोंग की जगह क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी एरर आपको आइडेंटिफाई करनी है। इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। आपको यहाँ पर भी एरर आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पर एरर है, फटाफट से एरर आइडेंटिफाई करिए। इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। In which part contains the error? यहाँ बताइए, it is possible to multiply this bacteria in the laboratory. Yes, very good. Option C, क्या mistake है option C में, ये भी बताइए कि क्या mistake है। मिस्टेक भी तो बताइए। यस अवधेश, वेरी गुड, दीज होगा। बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल है, बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल है, तो यहां दिस नहीं हो सकता, यहां क्या होगा, दीज होगा, ठीक है, दीज बैक्टीरिया। हाँ, अगर यहां पर दिस है तो बैक्टीरियम हो जाता, लेकिन यहां बैक्टीरिया है तो यहां दीज होगा। इन द सेंटेंसेज में यहाँ भी आपको एरर ही बतानी है, तो एवरी वन ऑफ अस शुड डू आर ड्यूटी टू द कंट्री, नो एरर। आपको यहाँ पर बताना है सही आंसर, फटाफट से बता दीजिए कि सही आंसर क्या होगा, कहाँ पर एरर है। अगेन आप बताइए कहाँ पर एरर है। एवरी वन ऑफ अस शुड डू आर ड्यूटी टू द कंट्री।
यस, यहाँ पर देखिए एवरी वन ऑफ अस, हम सबको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए कंट्री के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरी वन ऑफ अस अपने से है, या तो आप वंस का यूज़ करें आप हिज का यूज़ करें, लेकिन आर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारा और यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर मिस्टेक है, सिंगुलर यहाँ पर होगा, कोई भी यहाँ पे वंस आए या फिर हिज आए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा, यहाँ पर प्लूरल नहीं आ सकता। नेक्स्ट एंड लास्ट है, आपको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में आपको बनाना है, इन स्पाइट ऑफ बींग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। आपको इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज अनवेल दो केप्ट ऑन वर्किंग, ही वॉज अनवेल एंड केप्ट ऑन वर्किंग, ही वॉज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, ही वॉज अनवेल येट केप्ट ऑन वर्किंग। क्या हो जाएगा फटाफट से बता दीजिए। कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको बताया था, कंपाउंड सेंटेंस में फैन बॉयज के नाम से आपको कुछ कंजंक्शन भी बताए थे कि फैन बॉयज वाले जो कंजंक्शन है वो बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको वो याद हो तो आप यहाँ पर आसानी से उसे पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस इसमें से है। यस, सी ऑप्शन, बट का यूज हुआ यहाँ पे, ही वॉज अनवेल, वो अनफिट है, अनवेल है, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट हो जाएगा, येट यहाँ पर नहीं होगा, येट जो है वो यहाँ पर सुटेबल नहीं हो पाएगा, येट मतलब तक, काम करने तक, तो यहाँ पर येट का जो है वो प्रॉपर यूज नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पर प्रॉपर सूट कर रहा है, यानी सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस में ये ऑप्शन सी जो है ये आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। और चलो, तो आज की जो, क्योंकि यहाँ पर देखो दो कॉन्ट्रडिक्ट्री हो जा रहा है, अनवेल है और एंड के साथ आप जोड़ें तो एंड के साथ कॉन्ट्रडिक्ट्री वर्ड नहीं जोड़े जा सकते, वो अनफिट भी है, काम भी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप बट लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और इसकी PDF में जहाँ भी आपको डाउट है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है, मैं कोशिश करूँगी कि उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिख करके दे दूँ बाद में, या आज की क्विज में मैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं। कहाँ कॉमा लगा है यहाँ पर, क्या हुआ 87 में, वो कॉमा आप हटा दीजिए वहां से। '87 में क्या प्रॉब्लम है भाई, इसको मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, मधुलिका नेवर अडोर्ड श्यामा, मधुलिका अडोर्ड श्यामा, मधुलिका जो है वो श्यामा को अडोर करती है, यहाँ पर कभी अडोर नहीं करती, तो नेवर के साथ ये सुटेबल बनेगा। और 92 जो है उसको भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वैसे आप एक दो बार वीडियो अगर और देख लें तो वो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या नहीं समझ में आया भाई, ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, टू टू का जब कंपेयर होता है तो उसको हम सो दैट से क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर टू टू वाला था तो उसको किससे क्लियर करते हैं, सो दैट से, तो वही चीज तो है यहाँ पर, ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही कुडंट थिंक, तो ही वॉज टू एक्साइटेड टू थिंक, इसमें क्या कंफ्यूजन है। चलिए चलिए,
तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिस क्लास होगी वो आपकी ट्यूसडे को होगी, ठीक है। पीडीएफ आपको सेंड कर दी गई है। और अब देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अभी क्लियर नहीं करने वाली हूँ मैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे बता दीजिएगा, इसमें कुछ भी क्लियर करने लायक नहीं है, ठीक है। ऐसे अगर क्लियर करेंगे तो सारे ही क्वेश्चन फिर आप क्लियर करवाएंगे, इसमें कुछ भी क्लियर करने लायक नहीं। होमर अ ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न समवेयर, ठीक है। चलिए, जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ लीजिएगा, वो आपको बता दिए जाएंगे आंसर शीट के साथ। और अभी आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी गई है।